हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है कुली नंबर वन तो कुली नंबर वन फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी इसी के साथ इस फिल्म के कहानी के ऊपर बातचीत की जाएगी ये एक रीमेक फिल्म है तो ओरिजिनल और रीमेक के बीच में भी बातचीत की जाएगी

धवन ने स्क्रीन प्ले वो रूमी जाफरी ने लिखा हुआ है जो डायलॉग्स है वो फराज शाम जी ने लिखे हुए हैं ये रिक्रिएशन वर्जन है नाइनटीन का जो कुल नंबर वन है उसका अब नाइन्टीन वाले कुल नंबर वन के बारे में बातचीत करे तो वो भी एक कॉमेडी मसाला फिल्म थी उसको भी डेविड धवन ने डरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे रोमी जाफरी ने उसको लिखा हुआ था कादर खान ने मिलकर लिखा हुआ था स्टोरी थी वो रीमेक थी यानी कि वो फिल्म रीमेक थी ओरिजिनल वर्जन है जो 1995 वाला वो भी एक रिमेक ही फिल्म थी जहाँ पे उस फिल्म के लीड रोल में गोविंदा करिश्मा कपूर देखने को मिले थे उनके अलावा हरीश कुमार कंचन कादर खान महेश आनंद जैसे एक्ट्रेस एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुली नंबर वन जो 1995 वाली गोविंदा की थी वो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल फिल्म की रिमेक थी जहाँ पे उस फिल्म को तमिल वर्जन की एक चिन्ना मपिलाई करके फिल्म आई हुई थी उससे रीमेक किया गया था 1993 में वो फिल्म आई हुई थी वो एक कॉमेडी फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था सांतना भारती ने लिखा हुआ था क्रेजी मोहन ने स्क्रीन प्ले सांतना भारती का ही था वहीं पे स्टोरी आइडिया था वो पी काले मनी का था

जहाँ पे वन ऑफ द रिमेक कोली नंबर वन नाइन फाइव वाली फिल्म है वो भी है जिसमें गोविंदा ने काफी दमदार काम किया था जिसके बदौलत वो फिल्म करीबन तीन करोड़ के बजट के साथ बनी हुई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पे 20 से 25 करोड़ तक का तब ग्रोस कलेक्शन किया था इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डेविड धवन और गोविंदा ने मिलकर कितनी बड़ी एक हिट फिल्म बनाई हुई थी उसके करीबन काफी समय के बाद यानी कि दो और उन्नीस के बीच में करीबन पच्चीस सालों के बाद फिल्म का एक और रिक्रिएशन वर्जन आया क्योंकि 2020 और उन्नीस सौ बीच में जो समय था उसके बीच में उस कहानी के लेकर थोड़े चेंजेस किए हुए जो मॉडर्नाइज वर्जन है उसको क्रिएट करके इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है जहाँ पे स्क्रीन प्लेयर उमी जाफरी ने ही क्रिएट किया हुआ है एक तरह से कह सकते हैं कि जो 2020 वाली फिल्म है वो भी चिन्ना मपीलाई का ही रिमेक है जहाँ पे उस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है यानी कि कुली नंबर वन जो 2020 वाली है उसको प्रोड्यूस किया हुआ है वासु भगनानी जेकी भगनानी और दीप शिखा देशमुख ने जिन्होंने इस फिल्म को पूजा एंटरटेनमेंट तहत के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है जिसको डिस्ट्रीब्यूट अमेज़न प्राइम वीडियो और टिप्स इंडस्ट्री ने मिलकर किया हुआ था इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज करवाया हुआ था थिएटर रिलीज अवॉइड किए गए थी क्योंकि 2020 में ये फिल्म आई हुई थी तब तो कोविड-19 काफी पीक पे था काफी अलग-अलग वेव्स आ रही थी सेकंड वेव फर्स्ट वेव थर्ड वेव जिसके वजह से थिएटर के ओपन प्रॉपर नहीं हो पा रहे थे कुछ जगह पे ओपन थे वहाँ पे 50 परसेंट ऑक्यूपेंसी थी लेकिन उसके बावजूद ऑडियंस थिएटर में आने के लिए डर रही थी कोविड की वजह से तो इन सभी चीज़ों के बीच में फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी के लिए भेज दिया गया था और ये एक राइट डिसीजन था अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो वरुण धवन लीड रोल में देखने को मिलेंगे सारा लिखान उनके अपोजिट कास्ट की गई है परेश रावल जावेद जाफरी राजपाल यादव जोनी लिवर साहिल वैद्या शिखा तलसानिया विकास वर्मा मनोज जोशी अनिल धवन भारती आचरकर रजत रवाइल राकेश बेदी शशि किरण हेमंत पांडे फराज शामजी और शिवेश देवनाथ ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो सिनेमाटोग्राफी रवि के चंद्रन ने किए हुए सलीम सुलेमान ने क्रिएट किया हुआ है, लिजो जो जावेद और सलीम सुलेमान ने कंपोज किए हुए फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो जी म्यूजिक कंपनी के पास है वहीं पे जो रिक्रिएट वाले वर्जन है जो राइट्स है वो टिप म्यूजिक के पास है उसने सुहाना मिर्ची लगी तो वो दो गानों के राइट्स टिप्स के ही पास है जहाँ पे टोटल छः गाने और ये सभी गाने यूट्यूब पे आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते वरुण धवन ने एक छोटे से इंटरव्यू में इंडो न्यूज़ सर्विस है उनके इंटरव्यू में कहा था कि ये फिल्म यानि कि कुली नंबर वन के ऊपर एक बार फिर से काम किया जाएगा जहाँ पे उसको प्रोड्यूस करेंगे वासु भगना ने पूजा एंटरटेनमेंट के तहत और उनके फादर डेविड धोनी उस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले जहाँ पे अदर सोर्सेज से पता चला था कि इस फिल्म का जो ओरिजिनल स्टोरी है जो कूली नंबर वन आई हुई थी उससे इंस्पायर होके फिर से बनाया जाएगा जहां पे कुछ स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए जाएंगे लेकिन उसमें दो चेंजेस देखने को मिले थे इसमें एक तो कुली नंबर वन, 1991 की जो ओरिजिनल थी तेलुगु वाली वहां से कुछ सोर्सेज से पता चला था कुछ पॉइंट वहां से लिए हुए वहीं पे जिन्ना मपिल है जिसका रिमेक है ये वहां से भी कुछ पॉइंट को लिया हुआ था तो उसके बाद एक नया स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था मॉडर्नाइज वर्जन वाला शूटिंग के बारे में बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बैंकॉक को स्टार्ट की गई थी बैंकॉक से स्टार्ट की गई थी अगस्त 2019 को जहां पे गोवा में इस फिल्म की शूटिंग को बाद में फिर से ले आया गया था बैंकॉक की शूटिंग के बाद गोवा में शूट किया हुआ था फिल्म को उसके बाद फरवरी दो तक पूरी तरह से इस फिल्म को मुंबई में पेज वर्क के साथ शूटिंग करके कंप्लीट करवाया हुआ था जिसको एक मई दो को रिलीज के लिए फिक्स किया गया था लेकिन कोविड नाइन्टीन की वजह से थिएट्रिकल रिलीज नहीं हो पाई फिल्म की और फिल्म को पोस्टपोन कर दिया और उसके बाद में फिल्म को ध्यान में रखते हुए जो तो थिएटर का बिजनेस है थिएटर का जो जिस तरह का हाल था उसको ध्यान में रखते हुए ओटीटी में फिल्म को बेच दिया था म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर वो सलीम सुलेमान ने कंपोज किया हुआ है सॉन्ग है वो टोटल छः सुनने को मिलेंगे कुछ सॉन्ग रिक्रिएटेड है वहीं पे कुछ सॉन्ग को कंपोज किया हुआ है और ये सभी वर्जन से वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू कंपोज करवाए गए जहाँ पे दो लेबल है इस फिल्म के म्यूजिक के लिए जीक म्यूजिक कंपनी सभी सॉन्ग्स के लिए वहीं पर टिप्स म्यूजिक के पास उसने सुहाना और मिर्च लगी तो दो गाना के राइट्स से तो ट्रैक लिस्टिंग करते पहला गाना तेरी भाभी जिसके लिरिक्स लिखे हुए तनिष साबरी ने म्यूजिक दिया हुआ जावेद मोहसिन ने सिंगर थे देव नेगी नेहा कक्कर और जावेद मोहसिन दूसरा गाना हुसन सुहाना जिसका नया वर्जन है उसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने म्यूजिक दिया देष बागती ने थे चंदना दीक्षित अभिजीत भट्टाचार्य मम्मी कसम वाला जो गाना है उसके लिरिक्स लिखे हुए सबीर अहमद ने और इक्का ने मिलकर म्यूजिक है तनिष बागती ने गाया हुआ इक्का उदित नारायण और मोनाली ठाकुर ने चौथा गाना मिर्ची लगी तो ये एक रीमेक गाना है जिसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अंजान ने वहीं पे उसके म्यूजिक के ऊपर काम किया जो जो चेतास ने सिंगर थे कुमार सानो और अलका याग्निक पांचवा गाना है तेरे सिवा जिसके लिरिक्स लिखे वीराग हुए रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया हुआ है, तनिष बाकी ने सिंगर थे रेनेसा दास और एस किंग इसके अलावा छठा गाना कुली नंबर टाइटल ट्रिक उसके लिरिक्स फराज शाम जी ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ सलीम सुलेमान ने और सिंगर थे राज पंडित तो इस तरह से टोटल छः गाने थे जिसकी लेंथ थी इक्कीस मिनट सत्तावन सेकंड जिसके राइट्स थे जी म्यूजिक कंपनी और टीप्स म्यूजिक के पास और ये सभी गाने 22 दिसंबर 2020 से उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर और ऑफिशियल म्यूजिक प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल तो कर दिए गए थे तो आपको ये सभी गाने यूट्यूब पर भी आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे इसमें से कहीं गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे काफ़ी बढ़िया तरीके से कर गए थे अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो फिल्म में वरुण धवन ने राजू का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुंवर राज प्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा का हस्बैंड है वहीं पे सारा अली खान ने सारा प्रताप सिंह यानी कि नी है उनके जो जेफरी की डोटर डोटर है, की डॉटर डॉटर है है वहीं वहीं जाफरी पे अंजू की बहन है और राजू की वाइफ है परेश रावल ने जाफरी रोजारू का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा और अंजू के फादर है जावेद जाफरी ने इस फिल्म में पंडित जय किशन का रोल प्ले किया हुआ है उसके अलावा उन्होंने सेक्रटरी जैक्सन का रोल भी प्ले किया हुआ है राजपाल यादव को पिंटो मामा का रोल दिया गया था जो सारा और जो के अंकल है और जाफरी के ब्रदर इन लो है वहीं पे जॉनी लीवर ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर जगजीत गोड बोले का प्ले किया हुआ है सायल वैद्य को दीपक का मैकेनिक रोल दिया हुआ है जो राजू का बेस्ट फ्रेंड है और अंजू का फ्योन से शिखा तलसा ने आने अंजलि यानी कि अंजू रोजारा का रोल प्ले किया हुआ है जो जाफरी की बहन है वहीं पे सारा की बेटी है वहीं पे दीपक की फ्योन है इसके अलावा विकास वर्मा भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेश आनंद का रोल प्ले किया, किया हुआ है जो महेंद्र के बेटे मनोज जोशी को महेंद्र के मैनेजर का रोल दिया गया था अनिल धवन भी फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेंद्र प्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो महेंद्र प्रताप सिंह वाला रोल है वो महेश के फादर का किरदार है वहीं पे भारती अचरेंकर ने इस फिल्म में मिस रोजारे का रोल प्ले किया हुआ जो जाफरी की माँ है सारा और अंजू की ग्रांड मदर है रजत रावले ने इस फिल्म में मेक का रोल प्ले किया हुआ जो बेल बॉय है राजू और राजा का वहीं पे अंजू और सारा का हनीमून होटलर है वहीं पे इस फिल्म में राकेश बेदी भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने ड्राइवर का रोल प्ले किया हुआ है जो सालिनी के फादर है शशि किरण ने कुली चाचा का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के अंकल है हेमंत पांडे ने इस फिल्म में तांबे का रोल प्ले किया हुआ है जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट का ओनर है फराज शाम जी प्लम्बर के रोल में दिखाई देंगे रोजर ए जो होटल है वहाँ पे इसके अलावा सी बी देवनाथ ने इस फिल्म में विशु कोहली का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के फेलो पोर्टर है तो इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए हैं जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंसेज डिसेंट थी कुछ ने ओवर एक्टिंग की हुई थी कहाँ पे कुछ जगह पे इनकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी कॉमेडी डिपार्टमेंट में ठीक ठाक काम नजर आएगा डायरेक्शन इस फिल्म का एवरेज नजर आएगा इस फिल्म को जिस तरह से इंडनाइज किया हुआ है मॉडर्नाइज वर्जन डाला हुआ है वो उतना बढ़िया तरीके से इम्पेक्टफुली हमारे सामने पेश नहीं हो पाता है कई सारे कई चीज़ों की कमी नज़र आती है कुछ जगह पे वीएफएक्स भी काफ़ी डल नजर आता है बहुत कम वीएफएक्स का यूज है नहीं, लेकिन जितना भी यूज है वो काफ़ी फेक नज़र आता है इसके अलावा परफॉर्मेंसेज में भी कुछ जगह पे ओवर एक्टिंग नज़र आती वहीं पे कुछ जगह पे ठीक ठाक कॉमेडी देखने को मिल जाती है फराज श्याम जी के काफ़ी सारे डायलॉग क्रिंज क्रिंजवलती नजर आते फ़राज शाम जी को डायलॉग्स में काफ़ी क्रिंजीनेस नज़र आती है उनके डायलॉग्स बेटर हो सकते थे स्क्रीन प्ले भी काफ़ी वीक नज़र आता है इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने काफ़ी बढ़िया पैसा लगाया हुआ था इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है फिल्म के लोकेशन काफ़ी लेविस नज़र आ रहे थे उसके साथ में उस लोकेशन के अलावा जिस तरह से इस फिल्म

पे कुछ जगह पे ठीक ठाक थी फिल्म को करीबन एक सौ पैंतीस रन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जिसको आ, एडिट किया हुआ है रितेश सोनी ने एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी एक सौ पैंतीस मिनट यानी कि फिल्म दो घंटे पंद्रह मिनट की देखने को मिलती है करीबन दो घंटे के आसपास की फिल्म रहती तो और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा इस फिल्म के कलर टोन कलर ग्रेडिंग बढ़िया थी एडिटिंग ठीक ठाक थी और परफॉर्मेंसेज भी एवरेज थी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम देखने को मिलता है तो इस तरह से इस फिल्म के साथ टेक्निकल टीम और परफॉर्मेंस ने काम किया हुआ था अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म को डायरेक्ट ओ टी पर रिलीज़ किया गया था 25 दिसंबर 2020 को अमेज़न प्राइम वीडियो को राइट्स बेचे हुए थे तो अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने इस फिल्म के राइट्स लिए हुए जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म के राइट्स काफ़ी बड़ी रकम दे के खरीदे हुए थे तो ये फिल्म आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर वी भी थी इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी कुली नंबर वन नाम के साथ हिंदी वर्जन में तो वहाँ पे इन्जॉय कर सकते हो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा जी के चैनल के ऊपर जी सिनेमा जी सिनेमा एच के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पे भी इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ किडियो के पास है तो कुल नंबर वन फिल्म आपको वहां पे हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी विथ विथ इंग्लिश सब्सक्रिप्शन वहीं पे इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है वो जी के पास है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से कूली नंबर वन फिल्म आप इन्जॉय कर पाओगे कूली नंबर वन ये एक 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी मसाला फिल्म है फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है डेविड धवन ने स्क्रीन प्ले रूमी जाफरी ने लिखा हुआ है जो जो डायलॉग्स है 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 वो ने लिखे हुए ये रिक्रिएशन वर्जन है, 1995 का नंबर उसका अब वाले कोली नंबर वन के बारे में बातचीत करें तो वो भी एक कॉमेडी मसाला फिल्म थी उसको भी डेविड धवन ने डायरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे रोमी जाफरी ने उसको लिखा हुआ था कादर खान ने मिलकर लिखा हुआ था स्टोरी थी वो रीमेक थी यानी कि वो फिल्म रीमेक थी ओरिजिनल वर्जन है जो 1995 वाला वो भी एक रीमेक ही फिल्म थी जहाँ पे उस फिल्म के लीड रोल में गोविंदा करिश्मा कपूर देखने को मिले थे उनके अलावा हरीश कुमार कंचन कादर खान महेश आनंद जैसे एक्ट्रेस एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुली नंबर वन जो 1995 वाली गोविंदा की थी वो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल फिल्म की रीमेक थी जहाँ पे उस फिल्म को तमिल वर्जन की एक चिन्ना मपीलाई करके फिल्म आई हुई थी उससे रिमेक किया गया था 1993 में वो फिल्म आई हुई थी वो एक कॉमेडी फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था सांताना भारती ने लिखा हुआ था क्रेजी मोहन ने स्क्रीन प्ले सांताना भारती का ही था वहीं पे स्टोरी आइडिया था वो पीक काले मानी का था जिसको ने किया हुआ था लीड रोल में प्रभु और सुकन्या थे रवि चौदह जनवरी उन्नीस सौ तिरानवे में इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में रिलीज किया गया था जिसको काफी बड़ा रिस्पॉन्स मिला उसके बाद फिल्म को तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी जैसी कई अलग अलग लैंग्वेज में रिमेक किया हुआ था जहाँ पे वन ऑफ द रिमेक कोली नंबर वन नाइनटीन फाइव वाली फिल्म है वो भी है

2020 और उन्नीस के बीच में जो समय था उसके बीच में उस कहानी के लेकर थोड़े चेंजेस किए हुए जो मॉडर्नाइज वर्जन है उसको क्रिएट करके इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है जहाँ पे स्क्रीन प्लेयर उमी जाफरी ने ही क्रिएट किया हुआ है एक तरह से कह सकते हैं कि जो 2020 वाली फिल्म है वो भी चिन्ना मपीलाई का ही रीमेक है जहाँ पे उस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है यानी कि कुली नंबर वन जो 2020 वाली है उसको प्रोड्यूस किया हुआ है वासु भगनानी जेकी भगनानी और दीप सिखा देशमुख ने जिन्होंने इस फिल्म को पूजा एंटरटेनमेंट तहत के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है जिसको डिस्ट्रीब्यूट अमेजन प्राइम और टिप्स इंडस्ट्री ने मिलकर किया हुआ था इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज करवाया हुआ था थिएटर रिलीज अवॉइड की गई थी क्योंकि 2020 में ये फिल्म आई हुई थी तब तो कोविड नाइन्टीन काफी पीक पे था काफी अलग अलग वेवस आ रही थी सेकंड वेव फर्स्ट वेव थर्ड वेव का जिसकी वजह से थिएटर के ओपन प्रॉपर नहीं हो पा रहे थे कुछ जगह पे ओपन थे वहाँ पे 50 परसेंट ऑक्यूपेंसी थी लेकिन उसके बावजूद ऑडियंस थिएटर में आने के लिए डर रही थी कोविड की वजह से तो इन सभी चीज़ों के बीच में फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी के लिए भेज दिया गया था और ये एक राइट डिसीजन था अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो वरुण धवन लीड रोल में देखने को मिलेंगे सारा खान उनके साहिल वेद्य शिखा तलसानिया विकास वर्मा मनोज जोशी अनिल धवन भारती आचरकर रजत रवाइल राकेश बेदी शशि किरण हेमंत पांडे फराज सामजी और शिवेश देवनाथ ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार प्ले किए हुए

टिप्स के ही पास है जहाँ पे टोटल छः गाने और ये सभी गाने यूट्यूब पे आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते वरुण धवन ने एक छोटे से इंटरव्यू में इंडो एशियन न्यूज सर्विस है उनके इंटरव्यू में कहा था कि ये फिल्म यानि कि कुली नंबर वन के ऊपर एक बार फिर से काम किया जाएगा जहाँ पे उसको प्रोड्यूस करेंगे वासु भगना ने पूजा एंटरटेनमेंट के तहत और उनके फादर डेविड धोनी उस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले जहाँ पे अदर सोर्सेज से पता चला था कि इस फिल्म का जो ओरिजिनल स्टोरी है जो कुली नंबर वन आई हुई थी उससे ही इंस्पायर होके फिर से बनाया जाएगा जहाँ पे कुछ स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए जाएंगे लेकिन उसमें दो चेंजेस देखने को मिले थे इसमें एक तो कुली नंबर वन नाइनटीन की जो ओरिजिनल थी तेलुगु वाली वहाँ से कुछ सोर्सेस से पता चला था कुछ पॉइंट वहाँ से लिए हुए वहीं पे चिन्ना मपिल है जिसका रिमेक है ये वहां से भी कुछ पॉइंट को लिया हुआ था तो उसके बाद एक नया स्क्रीन पर लिखा हुआ था मॉडर्नाइज वर्जन वाला शूटिंग के बारे में बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बैंकॉक को स्टार्ट की गई थी बैंकॉक से स्टार्ट की गई थी अगस्त 2019 को जहां पे गोवा में इस फिल्म की शूटिंग को बाद में फिर से ले आया गया था बैंकॉक की शूटिंग के बाद गोवा में शूट किया हुआ था फिल्म को उसके बाद फरवरी दो तक पूरी तरह से इस फिल्म को मुंबई में पेज वर्क के साथ शूटिंग करके कंप्लीट करवाया हुआ था जिसको एक मई दो को रिलीज के लिए फिक्स किया गया था लेकिन कोविड नाइन्टीन की वजह से थिएट्रिकल रिलीज नहीं हो पाई फिल्म की और फिल्म को पोस्टपोन कर दिया और उसके बाद में फिल्म को ध्यान में रखते हुए जो तो थिएटर का बिजनेस है थिएटर का जो जिस तरह का हाल था उसको ध्यान में रखते हुए ओटीटी में फिल्म को बेच दिया था म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर वो सुल सलीम सुलेमान ने कंपोज किया हुआ है सॉन्ग है वो टोटल छः सुनने को मिलेंगे कुछ सॉन्ग रिक्रिएटेड है वहीं पे कुछ सॉन्ग को कंपोज किया हुआ है और ये सभी वर्जन से वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू कंपोज करवाए गए जहाँ पे दो लेबल है इस फिल्म के म्यूजिक के लिए जीक म्यूजिक कंपनी सभी सॉन्ग्स के लिए वहीं पर टिप्स म्यूजिक के पास उसने सुहाना और मिर्च लगी तो दो गाना के राइट्स से तो ट्रैक लिस्टिंग करते पहला गाना तेरी भाभी जिसके लिरिक्स लिखे हुए तनिष साबरी ने म्यूजिक दिया हुआ जावेद मोहसिन ने सिंगर थे देव नेगी नेहा कक्कर और जावेद मोहसिन दूसरा गाना हुस्न सुहाना जिसका नया वर्जन है उसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने म्यूजिक दिया तनिष बागची ने सिंगर थे चंदना दीक्षित अभिजीत भट्टाचार्य मम्मी कसम वाला जो गाना है उसके लिरिक्स लिखे हुए सबीर अहमद ने और इक्का ने मिलकर म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बागची ने गाया हुआ इक्का उदित नारायण और मोनाली ठाकुर ने चौथा गाना मिर्ची लगी तो ये एक रीमेक गाना है जिसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अंजान ने वहीं पे उसके म्यूजिक के का ऊपर काम किया हुआ जो जो, जो डीजी चेतास ने सिंगर थे कुमार सानू और अलका याग्निक पांचवा गाना है तेरे शिवा जिसके लिरिक्स लिखे वीराग हुए रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया हुआ तनिष बाकी ने सिंगर थे रेनेसा दास और एस किंग इसके अलावा छठा गाना कुली नंबर टाइटल ट्रिक उसके लिरिक्स फराज शाम जी ने लिखे हुए म्यूज़िक दिया हुआ सलीम सुलेमान ने और सिंगर थे राज पंडित तो इस तरह से टोटल छः गाने थे जिसकी लेंथ थी इक्कीस मिनट सत्तावन सेकंड जिसके राइट्स थे जी म्यूजिक कंपनी और टीप्स म्यूजिक के पास और ये सभी गाने 22 दिसंबर 2020 से उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर और ऑफिशियल म्यूजिक प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल कर दिए गए थे तो आपको ये सभी गाने यूट्यूब पर भी आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे इसमें से कई गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे काफ़ी बढ़िया तरीके से कर गए थे अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो फिल्म में वरुण धवन ने राजू कुल का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुंवर राजप्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा का हस्बैंड है वहीं पे सारा अली खान ने सारा प्रताप सिंह यानी कि नी रोजार्यू है उनके जो रेफ्रीज झेफरी की डोटल डोटर है वहीं जाफरी की डोटर है वहीं पे अंजू की बहन है और राजू की वाइफ है परेश रावल ने जाफरी रोजारू का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा और अंजू के फादर है जावेद जाफरी ने इस फिल्म में पंडित जय किशन का

वहीं पे सारा की बेटी है वहीं पे दीपक की फ्यों से है इसके अलावा विकास वर्मा भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेश आनंद का रोल प्ले किया, किया हुआ है जो महेंद्र के बेटे मनोज जोशी को महेंद्र के मैनेजर का रोल दिया गया था अनिल धवन भी फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेंद्र प्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो महेंद्र प्रताप सिंह वाला रोल है वो महेश के फादर का किरदार है वहीं पे भारती अचरेंकर ने इस फिल्म में मिस रोजारे का रोल प्ले किया हुआ जो जाफरी की माँ है सारा और अंजू की ग्रांड मदर है रजत रावले ने इस फिल्म में मेक का रोल प्ले किया हुआ जो बेल बॉय है राजू और राजा का वहीं पे अंजू और सारा का हनीमून होटलर है वहीं पे इस फिल्म में राकेश बेदी भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने ड्राइवर का रोल प्ले किया हुआ है जो सालिनी के फादर है शशि किरण ने कुली चाचा का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के अंकल है हेमंत पांडे ने इस फिल्म में तांबे का रोल प्ले किया हुआ है जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट का ओनर है फराज शाम जी प्लम्बर के रोल में दिखाई देंगे रोजर जो होटल है वहाँ पे इसके अलावा सी देवनाथ ने इस फिल्म में विशु कोहली का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के फेलो पोर्टर है तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए हैं जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंसिस डिसेंट थी कुछ ने ओवर एक्टिंग की हुई थी कहाँ पे कुछ जगह पे इनकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी कॉमेडी डिपार्टमेंट में ठीक ठाक काम नजर आएगा डायरेक्शन इस फिल्म का एवरेज नजर आएगा इस फिल्म को जिस तरह से इंडियानाइज किया हुआ है मॉडर्नाइज वर्जन डाला हुआ है वो उतना बढ़िया तरीके से इम्पेक्टफुली हमारे सामने पेश नहीं हो पाता है कई सारे कई चीज़ों की कमी नज़र आती है कुछ जगह पे वे भी काफ़ी डल नज़र आता है बहुत कम वे का यूज़ है लेकिन जितना भी यूज़ है वो काफ़ी फेक नज़र आता है इसके अलावा परफॉर्मेंसेस इस में भी कुछ जगह पे ओवर एक्टिंग नज़र आती है वहीं पे कुछ जगह पे ठीक ठाक कॉमेडी देखने को मिल जाती है फराज शाम जी के काफ़ी सारे डायलॉग क्रिंज क्रिंजवलती नज़र आते फ़राह शाम जी को डायलॉग्स में काफ़ी क्रिंजीनेस नज़र आती है के डायलॉग्स बेटर हो सकते थे स्क्रीन प्ले भी काफ़ी वीक नज़र आता है इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने काफ़ी बढ़िया पैसा लगाया हुआ था इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है फिल्म के लोकेशन काफ़ी लेवीज नज़र आ रहे थे उसके साथ में उस लोकेशन के अलावा जिस तरह से इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के ऊपर काम किया हुआ है वो ठीक ठाक था उसको बेटर किया जा सकता था सिनेमाटोग्राफर ने लोकेशन का बढ़िया यूज़ किया हुआ है इस फिल्म के एक्टर्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टाइलाइज किया हुआ है सॉन्ग्स की कोरियोग्राफी अच्छी है फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम है रीमेक और ओरिजिनल दोनों सॉन्ग्स काफी बढ़िया तरीके से कंपोज किए हुए हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं इसके अलावा इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफर ने जिस तरह से सॉन्ग्स के अलावा जो एक्शन सिकॉन है जो कॉमेडी से सीन्स से है उसको जिस तरह से कैप्चर किया हुआ है वो बढ़िया है इस फिल्म में कुछ जगह पर कॉमेडी टाइमिंग अच्छी थी वहीं पर कुछ जगह पर ठीक ठाक थी फिल्म को करीबन एक सौ पैंतीस रन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जिसको आ, एडिट किया हुआ है रितेश सोनी ने एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी 135 मिनट यानी कि फिल्म दो घंटे पंद्रह मिनट की देखने को मिलती है करीबन दो घंटे के आसपास की फिल्म रहती तो और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा इस फिल्म के कलर टोन कलर ग्रेडिंग बढ़िया थी एडिटिंग ठीक ठाक थी और परफॉर्मेंस भी एवरेज थी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम देखने को मिलता है तो इस तरह से इस फिल्म के साथ टेक्निकल टीम और परफॉर्मेंस ने काम किया हुआ था अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी टी पर रिलीज़ किया गया था 25 दिसंबर 2020 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को राइट्स बेचे हुए थे तो अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने इस फिल्म के राइट्स लिए हुए हैं जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म के राइट्स काफी बड़ी रकम दे खरीदे हुए थे तो ये फिल्म आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी कुली नंबर वन नाम के साथ हिंदी वर्जन में तो वहाँ पे इन्जॉय कर सकते हो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा जी के चैनल के ऊपर जी सिनेमा जी सिनेमा एच के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पे भी इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि राइट्स के पास है तो कुल नंबर वन फिल्म आपको वहां पे हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्स वहीं पे इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है वो जी सिने, सिनेमा के पास है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से कूली नंबर वन फिल्म आप इंजॉय कर पाओगे कूली नंबर वन ये एक दो हजार बीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी मसाला फिल्म है फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है डेविड धवन ने स्क्रीन प्ले वो रूमी जाफरी ने लिखा हुआ है जो डायलॉग से वो फराज शाम जी ने लिखे हुए हैं ये रिक्रिएशन वर्जन है नाइनटीन का जो कुल नंबर वन है उसका अब नाइनटीन नाइनटी फाइव वाले कुल नंबर वन के बारे में बातचीत करें तो वो भी एक कॉमेडी मसाला फिल्म थी उसको भी डेविड धवन ने डायरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे रोमी जाफरी ने उसको लिखा हुआ था कादर खान ने मिलकर लिखा हुआ था स्टोरी थी वो रीमेक थी यानी कि वो फिल्म रीमेक थी ओरिजिनल वर्जन है जो नाइनटीन वाला वो भी एक रिमेक ही फिल्म थी जहाँ पे उस फिल्म के लीड रोल में गोविंदा करिश्मा कपूर देखने को मिले थे उनके अलावा हरीश कुमार कंचन कादर खान महेश आनंद जैसे एक्ट्रेस एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुली नंबर वन जो 1995 वाली गोविंदा की थी वो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल फिल्म की रिमेक थी जहाँ पे उस फिल्म को तमिल वर्जन की एक चिन्ना मपीलाई करके फिल्म आई हुई थी उससे रीमेक किया गया था नाइनटीन में वो फिल्म आई हुई थी वो एक कॉमेडी फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था सांतना भारती ने लिखा हुआ था क्रेजी मोहन ने प्ले सांतना भारती का ही था वहीं पे स्टोरी आइडिया था वो पी काले मनी का था जिसको प्रोड्यूस टी शिवा ने किया हुआ था लीड रोल में प्रभु और सुकन्या थे सिनेमाटोग्राफी रविशंकर ने की हुई थी एडिटिंग जी जया चंद्रन ने की हुई थी म्यूजिक इलैया राजा ने दिया हुआ था और अम्मा क्रिएशंस के नीचे 14 जनवरी उन्नीस में इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में रिलीज किया गया था जिसको काफी बड़ा रिस्पांस मिला उसके बाद फिल्म को तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी जैसी कई अलग अलग लैंग्वेज में डब करके सॉरी रिमेक किया हुआ था जहाँ पे वन ऑफ द रिमेक कोली नंबर वन नाइनटीन वाली फिल्म है वो भी है जिसमें गोविंदा ने काफी दमदार काम किया था जिसके बदौलत वो फिल्म करीबन तीन करोड़ के बजट के साथ बनी हुई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पे 20 से 25 करोड़ तक का तब ग्रोस कलेक्शन किया था इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डेविड धवन और गोविंदा ने मिलकर कितनी बड़ी एक हिट फिल्म बनाई हुई थी उसके करीबन काफी समय के बाद यानी कि दो और उन्नीस के बीच में करीबन पच्चीस सालों के बाद फिल्म का एक और रिक्रिएशन वर्जन आया क्योंकि 2020 और उन्नीस सौ बीच में जो समय था उसके बीच में उस कहानी के लेकर थोड़े चेंजेस किए हुए जो मॉडर्नाइज वर्जन है उसको क्रिएट करके इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है जहाँ पे स्क्रीन प्लेयर उमी जाफरी ने ही क्रिएट किया हुआ है एक तरह से कह सकते हैं कि जो 2020 वाली फिल्म है वो भी चिन्ना मपीलाई का ही रीमेक है जहाँ पे उस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है यानी कि कुली नंबर वन जो 2020 वाली है उसको प्रोड्यूस किया हुआ है वासु भगनानी जेकी भगनानी और दीप सिखा देशमुख ने जिन्होंने इस फिल्म को पूजा एंटरटेनमेंट तहत के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है जिसको डिस्ट्रीब्यूट अमेजोन प्राइम वीडियो और टिप्स इंडस्ट्री ने मिलकर किया हुआ था इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी टी पे रिलीज करवाया हुआ था थिएटर रिलीज अवॉइड किए गए थी क्योंकि 2020 में ये फिल्म आई हुई थी तब तो कोविड 19 काफी पीक पे था काफी अलग अलग वेव्स आ रही थी सेकंड वेव फर्स्ट वेव थर्ड वेव का जिसकी वजह से थिएटर के ओपन प्रॉपर नहीं हो पा रहे थे कुछ जगह पे ओपन थे वहाँ पे 50 परसेंट ऑक्युपेंसी थी लेकिन उसके बावजूद ऑडियंस थिएटर में आने के लिए डर रही थी कोविड की वजह से तो इन सभी चीज़ों के बीच में फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी के लिए भेज दिया गया था और ये एक राइट डिसीजन था अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो वरुण धवन रोल में देखने को मिलेंगे सारा उनके अपोजिट की गई है परेश रावल जावेद जाफरी राजपाल यादव जोनी लिवर साहिल वैद्या शिखा तलसानिया विकास वर्मा मनोज जोशी अनिल धवन भारती आचरकर रजत रवाइल राकेश बेदी शशि किरण हेमंत पांडे फराज शामजी और शिवेश देवनाथ ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार प्ले किए हुए हैं

टिप्स के ही पास है यहाँ पे टोटल छः गाने और ये सभी गाने यूट्यूब पे आपको वीडियो ऑडियो में इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते वरुण धवन ने एक छोटे से इंटरव्यू में इंडो न्यूज सर्विस है उनके इंटरव्यू में कहा था कि ये फिल्म यानी कि कुली नंबर वन के ऊपर एक बार फिर से काम किया जाएगा जहाँ पे उसको प्रोड्यूस करेंगे वासु भगनानी पूजा एंटरटेनमेंट के तहत और उनके फादर डेविड धोनी उस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले जहाँ पे अदर सोर्सेज से पता चला था कि इस फिल्म का जो ओरिजिनल स्टोरी है जो कुली नंबर वन आई हुई थी उससे ही इंस्पायर होके फिर से बनाया जाएगा जहाँ पे कुछ स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए जाएंगे लेकिन उसमें दो चेंजेस देखने को मिले थे इसमें एक तो कुली नंबर वन नाइनटीन की जो ओरिजिनल थी तेलुगु वाली वहाँ से कुछ सोर्सेज से पता चला था कुछ पॉइंट वहाँ से लिए हुए वहीं पे चिन्ना मपीला है जिसका रिमेक है ये वहाँ से भी कुछ पॉइंट को लिया हुआ था तो उसके बाद एक नया स्क्रीन पर लिखा हुआ था मॉडर्नाइज वर्जन वाला शूटिंग के बारे में बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बैंकॉक को स्टार्ट की गई थी बैंकॉक से स्टार्ट की गई थी अगस्त दो को जहाँ पे गोवा में इस फिल्म की शूटिंग को बाद में फिर से ले आया गया था बैंकॉक की शूटिंग के बाद गोवा में शूट किया हुआ था फिल्म को उसके बाद फरवरी 2020 तक पूरी तरह से इस फिल्म को मुंबई में पेचवर्क के साथ शूटिंग करके कंप्लीट करवाया हुआ था जिसको 1 मई 2020 को रिलीज के लिए फिक्स किया गया था लेकिन कोविड नाइन्टीन की वजह से थिएट्रिकल रिलीज नहीं हो पाई फिल्म की और फिल्म को पोस्टपोन कर दिया और उसके बाद में फिल्म को ध्यान में रखते हुए जो और तो थिएटर का बिजनेस है थिएटर का जो जिस तरह का हाल था उसको ध्यान में रखते हुए ओटीटी में फिल्म को बेच दिया था म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर वो सलीम सुलेमान ने कंपोज किया हुआ है सॉन्ग है वो टोटल छः सुनने को मिलेंगे कुछ सॉन्ग रिक्रिएटेड है वहीं पे कुछ सॉन्ग को कंपोज किया हुआ है और ये सभी वर्जन से वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू कंपोज करवाए गए जहाँ पे दो लेबल है इस फिल्म के म्यूजिक के लिए जिक म्यूजिक कंपनी सभी सॉन्ग्स के लिए वहीं पर टिप्स म्यूजिक के पास उसने सुहाना और मिर्च लगी तो दो गाना के राइट्स से तो ट्रैक लिस्टिंग करते हैं पहला गाना तेरी भाभी जिसके लिरिक्स लिखे हुए तनिष साबरी ने म्यूजिक दिया हुआ जावेद मोहसिन ने सिंगर थे देव नेगी नेहा कक्कर और जावेद मोहसिन दूसरा गाना हुस्न सुहाना जिसका नया वर्जन है उसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने म्यूजिक दिया था तनिष ने सिंगर चंदना दीक्षित अभिजीत भट्टाचार्य मम्मी कसम वाला जो गाना है उसके लिरिक्स लिखे हुए सबीर अहमद ने और इक्का ने मिलकर म्यूजिक दिया हुआ है तनिष पाक्षी ने गाया हुआ है इक्का उदित नारायण और मोनाली ठाकुर ने चौथा गाना मिर्ची लगी तो एक रिमेक गाना है जिसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अंजान ने वहीं पे उसके म्यूजिक के ऊपर काम किया जो जो कुमार सानू और अलका याग्निक पांचवा गाना है तेरे सिवा जिसके लिरिक्स लिखे रस्मी वीराग हुए रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया हुआ तनिष भागती ने सिंगर थे रेनेसा दास और एस किंग इसके अलावा छठा गाना कुली नंबर टाइटल ट्रिक उसके लिरिक्स फराज शाम जी ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ सलीम सुलेमान ने और सिंगर थे राज पंडित तो इस तरह से टोटल छः गाने थे जिसकी लेंथ थी इक्कीस मिनट सत्तावन सेकंड जिसके राइट्स थे जी म्यूजिक कंपनी और टीप्स म्यूजिक के पास और ये सभी गाने 22 दिसंबर 2020 से उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर और ऑफिशियल म्यूजिक प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल तो कर दिए गए थे तो आपको ये सभी गाने यूट्यूब पर भी आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे इसमें से कहीं गाने काफी बड़े हिट साबित हुए थे काफ़ी बढ़िया तरीके से कर गए थे अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो फिल्म में वरुण धवन ने राजू कोली का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुंवर राजप्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा का हस्बैंड है वहीं पे सारा अली खान ने सारा प्रताप सिंह यानी कि नी रोजारियो है उनके जो रेफरी जेफरी की डोटल डोटर है, है वहीं जाफरी की डोटर है वहीं पे अंजू की बहन है और राजू की वाइफ परेश रावल ने जाफरी रोजारियो का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा और अंजू के फादर है जावेद जाफरी ने इस फिल्म में पंडित जय किशन का रोल प्ले किया हुआ है उसके अलावा उन्होंने सेक्रेटरी जैक्सन का रोल भी प्ले किया हुआ है राजपाल यादव को पिंटो मामा का रोल दिया गया था जो सारा और अंजू के अंकल है और जाफरी के ब्रदर इन लो है वहीं पे जोनी इस फिल्म में इंस्पेक्टर जगजीत गौड बोले का रोल प्ले किया हुआ है साहिल वेद्य को दीपक का। मैकेनिक का रोल दिया हुआ है जो राजू का बेस्ट फ्रेंड है और अंजू का फ्योन् से शिखा तलसान्या ने अंजलि यानी कि अंजू रोजारा का रोल प्ले किया हुआ है जो जाफरी की बहन है वहीं पे सारा की बेटी है वहीं पे दीपक की फ्योन् से है इसके अलावा विकास वर्मा भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेश आनंद का रोल प्ले किया हुआ है जो महेंद्र के बेटे मनोज जोशी को महेंद्र के मैनेजर का रोल दिया गया था अनिल धवन भी फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेंद्र प्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो महेंद्र प्रताप सिंह वाला रोल है वो महेश के फादर का किरदार है वहीं पे भारती अचरेंकर ने इस फिल्म में मिस रोजारे का रोल प्ले किया हुआ जो जाफरी की माँ है सारा और अंजू की ग्रांड मदर है रजत रावले ने इस फिल्म में मेक का रोल प्ले किया हुआ है जो बेल बॉय है राजू और राजा का वहीं पे अंजू और सारा का हनीमून होटलर है वहीं पे इस फिल्म में राकेश बेदी भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने ड्राइवर का रोल प्ले किया हुआ है जो सालिनी के फादर है शशि किरण ने कुली चाचा का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के अंकल है हेमंत पांडे ने इस फिल्म में तांबे का रोल प्ले किया हुआ है जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट का ओनर है फराज शाम जी प्लम्बर के रोल में दिखाई देंगे रोजर है जो होटल है वहाँ पे इसके अलावा सी बी एस देवनाथ ने इस फिल्म में विशु कुली का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के फेलो पोर्टर है तो इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए हैं जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंसिस डिसेंट थी कुछ ने ओवर एक्टिंग की हुई थी कहाँ पे कुछ जगह पे इनकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी कॉमेडी डिपार्टमेंट में ठीक ठाक काम नजर आएगा डायरेक्शन इस फिल्म का एवरेज नजर आएगा इस फिल्म को जिस तरह से इंडनाइज किया हुआ है मॉडर्नाइज वर्जन डाला हुआ है वो उतना बढ़िया तरीके से इम्पेक्टफुली हमारे सामने पेश नहीं हो पाता है कई सारे कई चीज़ों की कमी नज़र आती है कुछ जगह पर वीएफिक्स भी काफ़ी डल नज़र आता है बहुत कम वीएफ एक्स का यूज़ है लेकिन जितना भी यूज़ है वो काफ़ी फेक नज़र आता है इसके अलावा परफॉर्मेंसिस इस में भी कुछ जगह पे ओवर एक्टिंग नज़र आती है वहीं पे कुछ जगह पे ठीक ठाक कॉमेडी देखने को मिल जाती है फराज शाम जी के काफ़ी सारे डायलॉग क्रिंज बलती नज़र आते फ़राह श्याम जी को डायलॉग्स में काफ़ी क्रिंजीनेस नज़र आते हैं फिल्म के डायलॉग्स बेटर हो सकते थे स्क्रीन प्ले भी काफ़ी वीक नजर आता है इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने काफी बढ़िया पैसा लगाया हुआ था इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है फिल्म के लोकेशन काफी लेवीज नज़र आ रहे थे उसके साथ में उस लोकेशन के अलावा जिस तरह से इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के ऊपर काम किया हुआ है वो ठीक ठाक था उसको बेटर किया जा सकता था सिनेमाटोग्राफर ने लोकेशन का बढ़िया यूज़ किया हुआ है इस फिल्म के एक्टर्स को काफी बढ़िया तरीके से स्टाइलाइज किया हुआ है सॉन्ग्स की कोरियोग्राफी अच्छी है फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम है रिमेक ओरिजिनल और और दोनों सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज किए हुए हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं इसके अलावा इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफर ने जिस तरह से सॉन्ग्स के अलावा जो एक्शन सिक्वान्स है जो कॉमेडी सीन्स है उसको जिस तरह से कैप्चर किया हुआ है वो बढ़िया है इस फिल्म में कुछ जगह पर कॉमेडी टाइमिंग अच्छी थी वहीं पर कुछ जगह पर ठीक ठाक थी फिल्म को करीबन एक रन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जिसको आ, एडिट किया हुआ है रितेश सोनी ने एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी 135 मिनट यानी कि फिल्म दो घंटे 15 मिनट की देखने को मिलती है करीबन दो घंटे के आसपास की फिल्म रहती तो और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा इस फिल्म के कलर टोन कलर ग्रेडिंग बढ़िया थी एडिटिंग ठीक ठाक थी और परफॉर्मेंसेस भी एवरेज थी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम देखने को मिलता है तो इस तरह से इस फिल्म के साथ टेक्निकल टीम और परफॉर्मर्स ने काम किया हुआ था अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज़ किया गया था 25 दिसंबर 2020 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को राइट्स बेचे हुए थे तो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो वालों ने इस फिल्म के राइट्स लिए हुए जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म के राइट्स काफ़ी बड़ी रकम दे ख़रीदे हुए थे तो ये फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर भी इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी कुली नंबर वन नाम के साथ हिंदी वर्जन में तो वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा जी के चैनल के ऊपर जी सिनेमा जी सिनेमा एच के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पे भी एंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वो टी टी राइट्स Amazon प्राइम वीडियो के पास है तो कुली नंबर वन फिल्म आपको वहाँ पर हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पे इस फिल्म के सैटेलाइट राइड से वो जी सिनेमा के पास है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से कूली नंबर वन फिल्म आप इन्जॉय कर पाओगे कूली नंबर वन ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी मसाला फिल्म है फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है डेविड धवन ने स्क्रीन प्ले वो रूमी जाफरी ने लिखा हुआ है जो डायलॉग्स है वो फराज सामजी ने लिखे हुए हैं ये रिक्रिएशन वर्जन है 1995 का जो कुली नंबर वन है उसका अब 1995 वाले फाइव कुली नंबर वन के बारे में बातचीत करें तो वो भी एक कॉमेडी मसाला फिल्म थी उसको भी डेविड धवन ने डायरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे रोमी जाफरी ने उसको लिखा हुआ था कादर खान ने मिलकर लिखा हुआ था स्टोरी थी वो रीमेक थी यानी कि वो फिल्म रीमेक थी ओरिजिनल वर्जन है जो नाइनटीन वाला वो भी एक रिमेक ही फिल्म थी जहाँ पे उस फिल्म के लीड रोल में गोविंदा करिश्मा कपूर देखने को मिले थे उनके अलावा हरीश कुमार कंचन कादर खान महेश आनंद जैसे एक्ट्रेस एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुली नंबर वन जो 1995 फाइव वाली गोविंदा की थी वो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल फिल्म की रिमेक थी जहाँ पे उस फिल्म को तमिल वर्जन की एक चिन्ना करके फिल्म आई हुई थी उससे रीमेक किया गया था 1993 में वो फिल्म आई हुई थी वो एक कॉमेडी फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था सांतना भारती ने लिखा हुआ था क्रेजी मोहन ने स्क्रीन प्ले सांतना भारती का ही था वहीं पे स्टोरी आईडिया था वो पीक काले मनी का था

जहाँ पे वन ऑफ द रिमेक कोली नंबर वन नाइनटीन नाइनटी फाइव वाली फिल्म है वो भी है जिसमें गोविंदा ने काफी दमदार काम किया था जिसके बदौलत वो फिल्म करीबन तीन करोड़ के बजट के साथ बनी हुई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पे 20 से 25 करोड़ तक का तब ग्रोस कलेक्शन किया था इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डेविड धवन और गोविंदा ने मिलकर कितनी बड़ी एक हिट फिल्म बनाई हुई थी उसके करीबन काफी समय के बाद यानी कि दो और उन्नीस के बीच में करीबन पच्चीस सालों के बाद फिल्म का एक और रिक्रिएशन वर्जन आया क्योंकि 2020 और उन्नीस में बीच जो समय था उसके बीच में उस कहानी लेकर थोड़े चेंजेस किए हुए जो मॉडर्नाइज वर्जन है उसको क्रिएट करके इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है जहाँ पे स्क्रीन प्लेयर रोमी जाफरी ने ही क्रिएट किया हुआ है एक तरह से कह सकते हैं कि जो 2020 वाली फिल्म है वो भी चिन्ना मपीलाई का ही रीमेक है जहाँ पे उस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है यानी कि नंबर वन जो 2020 वाली है उसको प्रोड्यूस किया हुआ है वासु भगनानी जेकी भगनानी और दीप शिखा देशमुख ने जिन्होंने इस फिल्म को पूजा एंटरटेनमेंट तहत के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है जिसको डिस्ट्रीब्यूट अमेजन प्राइम वीडियो और टिप्स इंडस्ट्री ने मिलकर किया हुआ था इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज करवाया हुआ था थिएटर रिलीज अवॉइड किए गए थी क्योंकि 2020 में ये फिल्म आई हुई थी तब तो कोविड 19 काफी पीक पे था काफ़ी अलग अलग वेव्स आ रही थी सेकंड वेव फर्स्ट वेव थर्ड वेव का जिसकी वजह से थिएटर के ओपन प्रॉपर नहीं हो पा रहे कुछ थे कुछ जगह पे ओपन थे वहाँ पे 50 परसेंट ऑक्युपेंसी थी लेकिन उसके बावजूद ऑडियंस थिएटर में आने के लिए डर रही थी कोविड की वजह से तो इन सभी चीज़ों के बीच में फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी के लिए भेज दिया गया था और ये एक राइट डिसीजन था अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो वरुण धवन लीड रोल में देखने को मिलेंगे सारा लिखान उनके अपोजिट कास्ट की गई है परेश रावल जावेद जाफरी राजपाल यादव जोनी लिवर साहिल वेद्य शिखा तलसानिया विकास वर्मा मनोज जोशी अनिल धवन भारतीय आचरकर रजत रवाइल राकेश बेदी शशि किरण हेमंत पांडे फराज सामजी और सिबेश देवनाथ ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार प्ले किए हुए

टिप्स के ही पास है यहाँ पे टोटल छः गाने हैं और ये सभी गाने यूट्यूब पे आपको वीडियो फॉर्मेट में इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते वरुण धवन ने एक छोटे से इंटरव्यू में इंडोनेशियन न्यूज सर्विस है उनके इंटरव्यू में कहा था कि ये फिल्म यानी कि कुली नंबर वन के ऊपर एक बार फिर से काम किया जाएगा जहाँ पे उसको प्रोड्यूस करेंगे वासु भगना ने पूजा एंटरटेनमेंट के तहत और उनके फादर डेविड धोनी उस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले जहाँ पे अदर सोर्सेस से पता चला था कि इस फिल्म का जो ओरिजिनल स्टोरी है जो कूली नंबर वन आई हुई थी उससे इंस्पायर होके फिर से बनाया जाएगा जहाँ पे कुछ स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए जाएंगे लेकिन उसमें दो चेंजेस देखने को मिले थे इसमें एक तो कुली नंबर वन नाइनटीन नाइनटी वन की जो ओरिजिनल थी तेलुगु वाली वहां से कुछ सोर्स से पता चला था कुछ पॉइंट वहां से लिए हुए वहीं परिन्ना मपिल है जिसका रीमेक है ये वहाँ से भी कुछ पॉइंट को लिया हुआ था तो उसके बाद एक नया स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था मॉडर्नाइज वर्जन वाला शूटिंग के बारे में बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बैंकॉक को स्टार्ट की गई थी बैंकॉक से स्टार्ट की गई थी अगस्त 2019 को जहां पे गोवा में इस फिल्म की शूटिंग को बाद में फिर से ले आया गया था बैंकॉक की शूटिंग के बाद गोवा में शूट किया हुआ था फिल्म को उसके बाद फरवरी दो तक पूरी तरह से इस फिल्म को मुंबई में पेज वर्क के साथ शूटिंग करके कंप्लीट करवाया हुआ था जिसको एक मई दो को रिलीज़ के लिए फिक्स किया गया था लेकिन कोविड नाइन्टीन की वजह से थिएट्रिकल रिलीज नहीं हो पाई फिल्म की और फिल्म को पोस्टपोन कर दिया और उसके बाद में फिल्म को ध्यान में रखते हुए जो तो थिएटर का बिजनेस है थिएटर का जो जिस तरह का हाल था उसको ध्यान में रखते हुए ओटीटी में फिल्म को बेच दिया था म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर वो सुल सलीम सुलेमान ने कंपोज किया हुआ है सॉन्ग है वो टोटल छः सुनने को मिलेंगे कुछ सॉन्ग रिक्रिएटेड है वहीं पे कुछ सॉन्ग को कंपोज किया हुआ है और ये सभी वर्जन से वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू कंपोज करवाए गए जहाँ पे दो लेबल है इस फिल्म के म्यूजिक के लिए जीक म्यूजिक कंपनी सभी सॉन्ग्स के लिए वहीं पर टिप्स म्यूजिक के पास उसने सुहाना और मिर्च लगी तो दो गाना के राइट्स से तो ट्रैक लिस्टिंग पहला गाना तेरी भाभी जिसके लिरिक्स लिखे हुए तनिस साबरी ने म्यूजिक दिया है जावेद मोहसिन ने सिंगर थे देव नेगी नेहा कक्कर और जावेद मोहसिन दूसरा गाना हुसन सुहाना जिसका नया वर्जन है उसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने म्यूजिक ने सिंगर चंदना दीक्षित अभिजीत भट्टाचार्य मम्मी कसम वाला जो गाना है उसके लिरिक्स लिखे सबिर अहमद ने और इक्का ने मिलकर म्यूजिक देव तनिष बागची ने गाया हुआ इक्का उदित नारायण और मोनाली ठाकुर ने चौथा गाना मिर्ची लगी तो ये एक रिमेक गाना है जिसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अंजान ने वहीं पे उसके म्यूजिक के ऊपर काम किया जो जो, जो ने सिंगर थे कुमार सानू और अलका याग्निक पांचवा गाना है तेरे सिवा जिसके लिरिक्स लिखे हुए रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया हुआ तनिष भागती ने सिंगर थे रेनेसा दास और एस किंग इसके अलावा छठा गाना कुली नंबर टाइटल ट्रिक उसके लिरिक्स फराज शाम जी ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ सलीम सुलेमान ने और सिंगर थे राज पंडित तो इस तरह से टोटल छः गाने थे जिसकी लेंथ थी इक्कीस मिनट सत्तावन सेकंड जिसके राइट्स थे जी म्यूजिक कंपनी और टीप्स म्यूजिक के पास और ये सभी गाने 22 दिसंबर 2020 से उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर और ऑफिशियल म्यूजिक प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल कर दिए गए थे तो आपको ये सभी गाने यूट्यूब पर भी आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे इसमें से कई गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गए थे अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो फिल्म में वरुण धवन ने राजू कुली का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुंवर राजप्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा का हस्बैंड है वहीं पे सारा अली खान ने सारा प्रताप सिंह यानी कि नी रोजारे है उनके जो रेफरी झेफरी की डोटल डोटर है वहीं जाफरी की डॉटर है वहीं पे अंजू की बहन है और राजू की वाइफ है परेश रावल ने जाफरी रोजारू का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा और अंजू के फादर है जावेद जाफरी ने इस फिल्म में पंडित जय किशन

वहीं पे सारा की बेटी है वहीं पे दीपक की फ्यों से है इसके अलावा विकास वर्मा भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेश आनंद का रोल प्ले किया हुआ है जो महेंद्र के बेटे है मनोज जोशी को महेंद्र के मैनेजर का रोल दिया गया था अनिल धवन भी फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेंद्र प्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो महेंद्र प्रताप सिंह वाला रोल है वो महेश के फादर का किरदार है वहीं पे भारती अचरेंकर ने इस फिल्म में मिस रोजारे का रोल प्ले किया हुआ जो जाफरी की माँ है सारा और अंजू की ग्रांड मदर है रजत रावले ने इस फिल्म में मेक का रोल प्ले किया हुआ जो बेल बॉय है राजू और राजा का वहीं पे अंजू और सारा का हनीमून होटलर है वहीं पे इस फिल्म में राकेश बेदी भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने ड्राइवर का रोल प्ले किया हुआ है जो सालिनी के फादर है शशि किरण ने कुली चाचा का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के अंकल है हेमंत पांडे ने इस फिल्म में तांबे का रोल प्ले किया हुआ है जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट का ओनर है फराज शाम जी प्लम्बर के रोल में दिखाई देंगे रोजर ए जो होटल है वहाँ पे इसके अलावा सी बी देवनाथ ने इस फिल्म में विशु कुली का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के फेलो पोर्टर है तो इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए हैं जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंसेज डिसेंट थी कुछ ने ओवर एक्टिंग की हुई थी कहाँ पे कुछ जगह पे इनकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी कॉमेडी डिपार्टमेंट में ठीक ठाक काम नजर आएगा डायरेक्शन इस फिल्म का एवरेज नजर आएगा इस फिल्म को जिस तरह से इंडियानाइज किया हुआ है मॉडर्नाइज वर्जन डाला हुआ है वो उतना बढ़िया तरीके से इम्पेक्टफुली हमारे सामने पेश नहीं हो पाता है कई सारे कई चीज़ों की कमी नज़र आती है कुछ जगह पे वीएफ एक्स भी काफ़ी डल नज़र आता है बहुत कम वीएफेक्स का यूज़ है नहीं लेकिन जितना भी यूज़ है वो काफ़ी फेक नज़र आता है इसके अलावा परफॉमेंसेज इस में भी कुछ जगह पे ओवर एक्टिंग नज़र आती है वहीं पे कुछ जगह पे ठीक ठाक कॉमेडी देखने को मिल जाती है फराज श्याम जी के काफ़ी सारे डायलॉग क्रिंज बलती नज़र आते हैं फ़राह शाम जी को डायलॉग्स में काफ़ी क्रिंजीनेस नज़र आती है उन के डायलॉग्स बेटर हो सकते थे स्क्रीन प्ले भी काफ़ी वीक नज़र आता है इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने काफ़ी बढ़िया पैसा लगाया हुआ था इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है फिल्म के लोकेशन काफ़ी लेवीज नजर आ रहे थे उसके साथ में उस लोकेशन के अलावा जिस तरह से इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के ऊपर काम किया हुआ है वो ठीक ठाक था उसको बेटर किया जा सकता था सिनेमाटोग्राफर ने लोकेशंस का बढ़िया यूज़ किया हुआ है इस फिल्म के एक्टर्स को काफी बढ़िया तरीके से स्टाइलाइज किया हुआ है सॉन्ग्स की कोरियोग्राफी अच्छी है फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी बढ़िया काम है रीमेक और ओरिजिनल दोनों सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज किए हुए हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं इसके अलावा इस फिल्म के सीनेमाटोग्राफर ने जिस तरह से सॉन्ग्स के अलावा जो एक्शन सिक्वॉन्स है जो कॉमेडी सीन्स है उसको जिस तरह से कैप्चर किया हुआ है वो बढ़िया है इस फिल्म में कुछ जगह पर कॉमेडी टाइमिंग अच्छी थी वहीं पर कुछ जगह पर ठीक ठाक थी फिल्म को करीबन एक रन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जिसको एडिट किया हुआ है रितेश सोनी ने एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी 135 मिनट यानी कि फिल्म दो घंटे पंद्रह मिनट की देखने को मिलती है करीबन दो घंटे के आसपास की फिल्म रहती तो और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा इस फिल्म के कलर टोन कलर ग्रेडिंग बढ़िया थी एडिटिंग ठीक ठाक थी और परफॉर्मेंसेस भी एवरेज थी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम देखने को मिलता है तो इस तरह से इस फिल्म के साथ टेक्निकल टीम और परफॉर्मर ने काम किया हुआ था अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज़ किया गया था 25 दिसंबर 2020 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को राइट्स बेचे हुए थे तो अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने इस फिल्म के राइट्स लिए हुए जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म के राइट्स काफ़ी बड़ी रकम दे के ख़रीदे हुए थे तो ये फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर भी इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी कुली नंबर वन नाम के साथ हिंदी वर्जन में तो वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा जी के चैनल के ऊपर जी सिनेमा जी सिनेमा एच के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पे भी एंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वो टी टी राइट्स एम्यूज़न प्राइम वीडियो के पास है तो कुली नंबर वन फिल्म आपको वहाँ पर हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिस विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पे इस फिल्म के सैटेलाइट राइट से वो जिससे सिनेमा के पास है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से कूली नंबर वन फिल्म आप इन्जॉय कर पाओगे कूली नंबर वन ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी मसाला फिल्म है फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है डेविड धवन ने स्क्रीन प्ले वो रूमी झाफरी ने लिखा हुआ है जो डायलॉग्स है वो फराज शाम ने लिखे हुए हैं ये रिक्रिएशन वर्जन है 1995 का जो कोली नंबर वन है उसका अब 1995 वाले कोली नंबर वन के बारे में बातचीत करें तो वो भी एक कॉमेडी मसाला फिल्म थी उसको भी डेविड धवन ने डायरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे रोमी जाफरी ने उसको लिखा हुआ था कादर खान ने मिलकर लिखा हुआ था स्टोरी थी वो रीमेक थी यानी कि वो फिल्म रीमेक थी ओरिजिनल वर्जन है जो नाइनटीन वाला वो भी एक रिमेक ही फिल्म थी जहाँ पे उस फिल्म के लीड रोल में गोविंदा करिश्मा कपूर देखने को मिले थे उनके अलावा हरीश कुमार कंचन कादर खान महेश आनंद जैसे एक्ट्रेस एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुली नंबर वन जो 1995 वाली गोविंदा की थी वो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल फिल्म की रिमेक थी जहाँ पे उस फिल्म को तमिल वर्जन की एक चिन्ना करके फिल्म आई हुई थी उससे रीमेक किया गया था 1993 में वो फिल्म आई हुई थी वो एक कॉमेडी फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था सांतना भारती ने लिखा हुआ था क्रेजी मोहन ने स्क्रीन प्ले सांतना भारती का ही था वहीं पे स्टोरी आइडिया था वो पीक काले मनी का था

जहाँ पे वन ऑफ द रिमेक कोली नंबर वन नाइन नाइनटी फाइव वाली फिल्म है वो भी है जिसमें गोविंदा ने काफी दमदार काम किया था जिसके बदौलत वो फिल्म करीबन तीन करोड़ के बजट के साथ बनी हुई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पे 20 से 25 करोड़ तक का तब कलेक्शन किया था इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डेविड धवन ने और गोविंदा ने मिलकर कितनी बड़ी एक हिट फिल्म बनाई हुई थी उसके करीबन काफी समय के बाद यानी कि दो और उन्नीस के बीच में करीबन पच्चीस सालों के बाद फिल्म का एक और रिक्रिएशन वर्जन आया क्योंकि 2020 और उन्नीस सौ बीच में जो समय था उसके बीच में उस कहानी के लेकर थोड़े चेंजेस किए हुए जो मॉडर्नाइज वर्जन है उसको क्रिएट करके इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है जहाँ पे स्क्रीन प्लेयर उमी जाफरी ने ही क्रिएट किया हुआ है एक तरह से कह सकते हैं कि जो 2020 वाली फिल्म है वो भी चिन्ना मपीलाई का ही रिमेक है जहाँ पे उस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है यानी कि कुली नंबर वन जो 2020 वाली है उसको प्रोड्यूस किया, कि किया हुआ है वासु भगनानी जेकी भगनानी और दीप शिखा देशमुख ने जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज करवाया हुआ था थिएटर रिलीज अवॉइड की गई थी क्योंकि 2020 में ये फिल्म आई हुई थी तब तो कोविड नाइनटीन काफी पीक पे था काफी अलग अलग वेव आ रही थी सेकंड वेव फर्स्ट वेव थर्ड वेव जिसकी वजह से थिएटर के ओपन प्रॉपर नहीं हो पा रहे थे कुछ जगह पे ओपन थे वहाँ पे 50 परसेंट ऑक्यूपेंसी थी लेकिन उसके बावजूद ऑडियंस थिएटर में आने के लिए डर रही थी कोविड की वजह से तो इन सभी चीज़ों के बीच में फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी के लिए भेज दिया गया था और ये एक राइट डिसीजन था अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो वरुण धवन लीड रोल में देखने को मिलेंगे सारा उनके अपोजिट कास्ट की गई है परेश रावल जावेद राजपाल यादव जोनी लिवर साहिल वेद्य शिखा तलसानिया विकास वर्मा मनोज जोशी अनिल धवन भारती आचरकर रजत रवाइल राकेश बेदी शशि किरण हेमंत पांडे फराज शाम और सिबेश देवनाथ ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार प्ले किए हुए

टिप्स के ही पास है यहाँ पे टोटल छः गाने और ये सभी गाने यूट्यूब पे आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते वरुण धवन ने एक छोटे से इंटरव्यू में इंडो न्यूज़ सर्विस से उनके इंटरव्यू में कहा था कि ये फिल्म यानि कि कुली नंबर वन के ऊपर एक बार फिर से काम किया जाएगा जहाँ पे उसको प्रोड्यूस करेंगे वासु भगना ने पूजा एंटरटेनमेंट के तहत और उनके फादर डेविड धोनी उस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले जहाँ पे अदर सोर्सेज से पता चला था कि इस फिल्म का जो ओरिजिनल स्टोरी है जो कुली नंबर वन आई हुई थी उससे ही इंस्पायर होके फिर से बनाया जाएगा जहाँ पे कुछ स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए जाएंगे लेकिन उसमें दो चेंजेस देखने को मिले थे इसमें एक तो कुली नंबर वन नाइनटीन की जो ओरिजिनल थी तेलुगु वाली वहाँ से कुछ सोर्सेस से पता चला था कुछ पॉइंट वहाँ से लिए हुए वहीं पे चिन्ना मपिल है जिसका रिमेक है ये वहां से भी कुछ पॉइंट को लिया हुआ था तो उसके बाद एक नया स्क्रीन पर लिखा हुआ था मॉडर्नाइज वर्जन वाला शूटिंग के बारे में बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बैंकॉक को स्टार्ट की गई थी बैंकॉक से स्टार्ट की गई थी अगस्त 2019 को जहां पे गोवा में इस फिल्म की शूटिंग को बाद में फिर से ले आया गया था बैंकॉक की शूटिंग के बाद गोवा में शूट किया हुआ था फिल्म को उसके बाद फरवरी दो तक पूरी तरह से इस फिल्म को मुंबई में पेजवर्क के साथ शूटिंग करके कंप्लीट करवाया हुआ था जिसको एक मई दो को रिलीज के लिए फिक्स किया गया था लेकिन कोविड नाइन्टीन की वजह से थिएट्रिकल रिलीज नहीं हो पाई फिल्म की और फिल्म को पोस्टपोन कर दिया और उसके बाद में फिल्म को ध्यान में रखते हुए जो तो थिएटर का बिजनेस है थिएटर का जो जिस तरह का हाल था उसको ध्यान में रखते हुए ओ में फिल्म को बेच दिया था म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर वो सलीम सुलेमान ने कंपोज किया हुआ है सॉन्ग है वो टोटल छः सुनने को मिलेंगे कुछ सॉन्ग रिक्रिएटेड है वहीं पे कुछ सॉन्ग को कंपोज किया हुआ है और ये सभी वर्जन से वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू कंपोज करवाए गए जहाँ पे दो लेबल है इस फिल्म के म्यूजिक के लिए जीक म्यूजिक कंपनी सभी सॉन्ग्स के लिए वहीं पर टिप्स म्यूजिक के पास उसने सुहाना और मिर्च लगी तो दो गाना के राइट्स से तो ट्रैक लिस्टिंग करते पहला गाना तेरी भाभी जिसके लिरिक्स लिखे हुए तनिष साबरी ने म्यूजिक दिया हुआ जावेद मोहसिन ने सिंगर थे देव नेगी नेहा कक्कर और जावेद मोहसिन दूसरा गाना खुसने सुहाना जिसका नया वर्जन है उसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने म्यूजिक दिया तनिष्क पाके ने सिंगर थे चंदन दीक्षित अभिजीत भट्टाचार्य मम्मी कसम वाला जो गाना है उसके लिरिक्स लिखे हुए सबीर अहमद ने और इक्का ने मिलकर म्यूजिक दिया है तनिष्क पाके ने गाया हुआ इक्का उदित नारायण और मोनालिसा ठाकुर ने चौथा गाना मिर्ची लगी तो ये एक रीमेक गाना है जिसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अंजान ने वहीं पे उसके म्यूजिक के ऊपर काम किया जो जो चेतास ने सिंगर थे कुमार सानू और अलका याग्निक पांचवा गाना है तेरे शिवा जिसके लिरिक्स लिखे वीराग हुए रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया हुआ तनिष बाकी ने सिंगर थे रेनेसा दास और एस किंग इसके अलावा छठा गाना कुली नंबर टाइटल ट्रिक उसके लिरिक्स फराज शाम जी ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ सलीम सुलेमान ने और सिंगर थे राज पंडित तो इस तरह से टोटल छः गाने थे जिसकी लेंथ थी इक्कीस मिनट सत्तावन सेकंड जिसके राइट्स थे जी म्यूजिक कंपनी और टीप्स म्यूजिक के पास और ये सभी गाने 22 दिसंबर 2020 से उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर और ऑफिशियल म्यूजिक प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल कर दिए गए थे तो आपको ये सभी गाने यूट्यूब पर भी आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे इसमें से कहीं गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे काफ़ी बढ़िया तरीके से कर गए थे अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो फिल्म में वरुण धवन ने राजू कुल का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुंवर राजप्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ खान ने सारा प्रताप सिंह यानी कि नी रोजार्यू है उनके जो जेफरी की डोटल डोटर है वहीं जाफरी की डोटर है वहीं पे अंजू की बहन है और राजू की वाइफ पे परेश रावल ने जाफरी रोजारू का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा और अंजू के फादर है जावेद जाफरी ने इस फिल्म में पंडित जय किशन

वहीं पे सारा की बेटी है वहीं पे दीपक की फ्यों से है इसके अलावा विकास वर्मा भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेश आनंद का रोल प्ले किया हुआ है जो महेंद्र के बेटे मानो जोशी को महेंद्र के मैनेजर का रोल दिया गया था अनिल धवन भी फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेंद्र प्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो महेंद्र प्रताप सिंह वाला रोल है वो महेश के फादर का किरदार है वहीं पे भारती अचरेंकर ने इस फिल्म में मिस रोजारे का रोल प्ले किया हुआ जो जाफरी की माँ है सारा और अंजू की ग्रांड मदर है रजत रावले ने इस फिल्म में मेक का रोल प्ले किया हुआ जो बेल बॉय है राजू और राजा का वहीं पे अंजू और सारा का हनीमून होटलर है वहीं पे इस फिल्म में राकेश बेदी भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने ड्राइवर का रोल प्ले किया हुआ है जो सालिनी के फादर है शशि किरण ने कुली चाचा का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के अंकल है हेमंत पांडे ने इस फिल्म में तांबे का रोल प्ले किया हुआ है जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट का ओनर है फराज शाम जी प्लम्बर के रोल में दिखाई देंगे रोजर जो होटल है वहाँ पे इसके अलावा सी बी देवनाथ ने इस फिल्म में विशु कोहली का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के फेलो पोर्टर है तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए हैं जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंसेज डिसेंट थी कुछ ने ओवर एक्टिंग की हुई थी कहाँ पे कुछ जगह पे इनकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी कॉमेडी डिपार्टमेंट में ठीक ठाक काम नजर आएगा डायरेक्शन इस फिल्म का एवरेज नजर आएगा इस फिल्म को जिस तरह से इंडनाइज किया हुआ है मॉडर्नाइज वर्जन डाला हुआ है वो उतना बढ़िया तरीके से इम्पेक्टफुली हमारे सामने पेश नहीं हो पाता है कई सारे कई चीज़ों की कमी नज़र आती कुछ जगह पर वीएफ भी काफ़ी डल नज़र आता है बहुत कम वेफ एक्स का यूज़ है नहीं लेकिन जितना भी यूज़ है वो काफ़ी फेक नज़र आता है इसके अलावा परफॉर्मेंसिस इस में भी कुछ जगह पे ओवर एक्टिंग नज़र आती है वहीं पे कुछ जगह पे ठीक ठाक कॉमेडी देखने को मिल जाती है फराज शाम जी के काफ़ी सारे डायलॉग क्रिंज बलती नज़र आते फ़राह शाम जी को डायलॉग्स में काफ़ी क्रिंजीनेस नज़र आते हैं उनके डायलॉग्स बेटर हो सकते थे स्क्रीन प्ले भी काफ़ी वीक नज़र आता है इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने काफ़ी बढ़िया पैसा लगाया हुआ था इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है फिल्म के लोकेशन काफ़ी लेविज नज़र आ रहे थे उसके साथ में उस लोकेशन के अलावा जिस तरह से इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के ऊपर काम किया हुआ है वो ठीक ठाक था उसको बेटर किया जा सकता था सिनेमाटोग्राफर ने लोकेशन का बढ़िया यूज़ किया हुआ है इस फिल्म के एक्टर्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टाइलाइज़ किया हुआ है सॉन्ग्स की कोरियोग्राफी अच्छी है फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम है रीमेक और ओरिजिनल दोनों सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज किए हुए जो सुनने में अच्छे लगते हैं इसके अलावा इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफर ने जिस तरह से सॉन्ग्स के अलावा जो एक्शन सीक्वेंस है जो कॉमेडी सीन्स है उसको जिस तरह से कैप्चर किया हुआ है वो बढ़िया है इस फिल्म में कुछ जगह पर कॉमेडी टाइमिंग अच्छी थी वहीं पर कुछ जगह पर ठीक ठाक थी फिल्म को करीबन एक रन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जिसको एडिट किया हुआ है रितेश सोनी ने एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी 135 मिनट यानी कि फिल्म दो घंटे पंद्रह मिनट की देखने को मिलती है करीबन दो घंटे के आसपास की फिल्म रहती तो और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा इस फिल्म के कलर टोन कलर ग्रेडिंग बढ़िया थी एडिटिंग ठीक ठाक थी और परफॉर्मेंस भी एवरेज थी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम देखने को मिलता है तो इस तरह से इस फिल्म के साथ टेक्निकल टीम और परफॉर्मर ने काम किया हुआ था अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म को डायरेक्ट ओ टी पर रिलीज़ किया गया था 25 दिसंबर 2020 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को राइट्स बेचे हुए थे तो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो वालों ने इस फिल्म के राइट्स लिए हुए जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म के राइट्स काफ़ी बा, बा, बड़ी रकम दे के खरीदे हुए थे तो ये फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर वी भी इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी कुली नंबर वन नाम के साथ हिंदी वर्जन में तो वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा जी के चैनल के ऊपर जी सिनेमा जी सिनेमा एच के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पे भी एंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वो टी टी राइट्स है प्राइम वीडियो के पास है तो कुली नंबर वन फिल्म आपको वहाँ पे हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश इंग्लिस विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है वो जी सिनेमा के पास है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से कुली नंबर वन फिल्म आप एंजॉय कर पाओगे प्रोड्यूस किया हुआ वासु भगनानी जेकी भगनानी और दीप शिखा देशमुख ने जिन्होंने इस फिल्म को पूजा एंटरटेनमेंट तहत के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है जिसको डिस्ट्रीब्यूट अमेजन प्राइम वीडियो और टिप्स इंडस्ट्री ने मिलकर किया हुआ था इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी टी पे रिलीज करवाया हुआ था थिएटर रिलीज अवॉइड किए गए थी क्योंकि 2020 में ये फिल्म आई हुई थी तब तो कोविड 19 काफी पीक पे था काफी अलग अलग वेव्स आ रही थी सेकंड वेव फर्स्ट वेव थर्ड वेव का जिसकी वजह से थिएटर के ओपन प्रॉपर नहीं हो पा रहे थे कुछ जगह पे ओपन थे वहाँ पे 50 परसेंट ऑक्युपेंसी थी लेकिन उसके बावजूद ऑडियंस थिएटर में आने के लिए डर रही थी कोविड की वजह से तो इन सभी चीज़ों के बीच में फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी के लिए भेज दिया गया था और ये एक राइट डिसीजन था अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो वरुण धवन रोल में देखने को मिलेंगे सारा खान उनके अपोजिट की गई है परेश रावल जावेद जाफरी राजपाल यादव जोनी लिवर साहिल वैद्या शिखा तलसानिया विकास वर्मा मनोज जोशी अनिल धवन भारती आचरकर रजत रवाइल राकेश बेदी शशि किरण हेमंत पांडे फराज सामजी और शिवेश देवनाथ ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार प्ले किए हुए हैं

टिप्स के ही पास है यहाँ पे टोटल छः गाने और ये सभी गाने यूट्यूब पे आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते वरुण धवन ने एक छोटे से इंटरव्यू में इंडो न्यूज सर्विस है उनके इंटरव्यू में कहा था कि ये फिल्म यानी कि कुली नंबर वन के ऊपर एक बार फिर से काम किया जाएगा जहाँ पे उसको प्रोड्यूस करेंगे वासु भगनानी पूजा एंटरटेनमेंट के तहत और उनके फादर डेविड धोनी उस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले जहाँ पे अदर सोर्सेज से पता चला था कि इस फिल्म का जो ओरिजिनल स्टोरी है जो कुली नंबर वन आई हुई थी उससे इंस्पायर होके फिर से बनाया जाएगा जहाँ पे कुछ स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए जाएंगे लेकिन उसमें दो चेंजेस देखने को मिले थे इसमें एक तो कुली नंबर वन नाइन की जो ओरिजिनल थी तेलुगु वाली वहां से कुछ सोर्सिस से पता चला था कुछ पॉइंट वहां से लिए हुए वहीं परिन्ना मपिला है जिसका रिमेक है ये वहाँ से भी कुछ पॉइंट को लिया हुआ था तो उसके बाद एक नया स्क्रीन पर लिखा हुआ था मॉडर्नाइज वर्जन वाला शूटिंग के बारे में बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बैंकॉक को स्टार्ट की गई थी बैंकॉक से स्टार्ट की गई थी अगस्त दो को जहाँ पे गोवा में इस फिल्म की शूटिंग को बाद में फिर से ले आया गया था बैंकॉक की शूटिंग के बाद गोवा में शूट किया हुआ था फिल्म को उसके बाद फरवरी 2020 तक पूरी तरह से इस फिल्म को मुंबई में पेज वर्क के साथ शूटिंग करके कंप्लीट करवाया हुआ था जिसको 1 मई 2020 को रिलीज़ के लिए फिक्स किया गया था लेकिन कोविड नाइन्टीन की वजह से थिएट्रिकल रिलीज नहीं हो पाई फिल्म की और फिल्म को पोस्टपोन कर दिया और उसके बाद में फिल्म को ध्यान में रखते हुए जो और तो थिएटर का बिजनेस है थिएटर का जो जिस तरह का हाल था उसको ध्यान में रखते हुए ओटीटी में फिल्म को बेच दिया था म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर वो सुल सलीम सुलेमान ने कंपोज किया हुआ है सॉन्ग है वो टोटल छः सुनने को मिलेंगे कुछ सॉन्ग रिक्रिएटेड है वहीं पे कुछ सॉन्ग को कंपोज किया हुआ है और ये सभी वर्जन से वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू कंपोज करवाए गए जहाँ पे दो लेबल है इस फिल्म के म्यूजिक के लिए जीक म्यूजिक कंपनी सभी सॉन्ग्स के लिए वहीं पर टिप्स म्यूजिक के पास उसने सुहाना और मिर्च लगी तो दो गाना के राइट्स से तो ट्रैक लिस्टिंग करते हैं पहला गाना तेरी भाभी जिसके लिरिक्स लिखे हुए तनिष साबरी ने म्यूजिक दिया हुआ जावेद मोहसिन ने सिंगर थे देव नेगी नेहा कक्कर और जावेद मोहसिन दूसरा गाना हुस्न सुहाना जिसका नया वर्जन है उसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने म्यूजिक दिया था तनिष बागची ने सिंगर थे चंदना दीक्षित अभिजीत भट्टाचार्य मम्मी कसम वाला जो गाना है उसके लिरिक्स लिखे हुए सबीर अहमद ने और इक्का ने मिलकर म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बागची ने गाया हुआ है इक्का उदित नारायण और मोनाली ठाकुर ने चौथा गाना मिर्ची लगी तो एक रिमेक गाना है जिसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अंजान ने वहीं पे उसके म्यूजिक के का ऊपर काम किया जो जो, जो डीजे ने सिंगर थे कुमार सानू और अलका याग्निक पांचवा गाना है तेरे सिवा जिसके लिरिक्स लिखे रस्मी वीराग हुए रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया हुआ तनिष भागती ने सिंगर थे रेनेसा दास और एस किंग इसके अलावा छठा गाना कुली नंबर टाइटल ट्रिक उसके लिरिक्स फराज शाम जी ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ सलीम सुलेमान ने और सिंगर थे राज पंडित तो इस तरह से टोटल छः गाने थे जिसकी लेंथ थी इक्कीस मिनट सत्तावन सेकंड जिसके राइट्स थे जी म्यूजिक कंपनी और टीप्स म्यूजिक के पास और ये सभी गाने 22 दिसंबर 2020 से उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर और ऑफिशियल म्यूजिक प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल कर दिए गए थे तो आपको ये सभी गाने यूट्यूब पर भी आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे इसमें से कहीं गाने काफी बड़े हिट साबित हुए थे काफ़ी बढ़िया तरीके से कर गए थे अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो फिल्म में वरुण धवन ने राजू कोली का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुंवर राजप्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा का हस्बैंड है वहीं पे सारा अली खान ने सारा प्रताप सिंह यानी कि नी जो रोजारी है उनके जो जेफरी की डोटल डोटर है वहीं जाफरी की डोटर है वहीं पे अंजू की बहन है और राजू की वाइफ परेश रावल ने जाफरी रोजारू का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा और अंजू के फादर है जावेद जाफरी ने इस फिल्म में पंडित जय किशन का रोल प्ले किया हुआ है उसके अलावा उन्होंने सेक्रेटरी जैक्सन का रोल भी प्ले किया हुआ है राजपाल यादव को पिंटो मामा का रोल दिया गया था जो सारा और अंजू के अंकल है और जाफरी के ब्रदर इन लो है वहीं पे जोनी इस फिल्म में इंस्पेक्टर जगजीत गौड बोले का रोल प्ले किया हुआ है साहिल वेद्य को दीपक का। मैकेनिक का रोल दिया हुआ है जो राजू का बेस्ट फ्रेंड है और अंजू का फ्योन् से शिखा तलसान्या ने अंजलि यानी कि अंजू रोजारा का रोल प्ले किया हुआ है जो जाफरी की बहन है वहीं पे सारा की बेटी है वहीं पे दीपक की फ्योन् से है इसके अलावा विकास वर्मा भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेश आनंद का रोल प्ले किया हुआ है जो महेंद्र के बेटे मनोज जोशी को महेंद्र के मैनेजर का रोल दिया गया था अनिल धवन भी फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेंद्र प्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो महेंद्र प्रताप सिंह वाला रोल है वो महेश के फादर का किरदार है वहीं पे भारती अचरेंकर ने इस फिल्म में मिस रोजारे का रोल प्ले किया हुआ जो जाफरी की माँ है सारा और अंजू की ग्रांड मदर है रजत रावले ने इस फिल्म में मेक का रोल प्ले किया हुआ है जो बेल बॉय है राजू और राजा का वहीं पे अंजू और सारा का हनीमून होटलर है वहीं पे इस फिल्म में राकेश बेदी भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने ड्राइवर का रोल प्ले किया हुआ है जो सालिनी के फादर है शशि किरण ने कुली चाचा का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के अंकल है हेमंत पांडे ने इस फिल्म में तांबे का रोल प्ले किया हुआ है जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट का ओनर है फराज शाम जी प्लम्बर के रोल में दिखाई देंगे रोजर है जो होटल है वहाँ पे इसके अलावा सी बी एस देवनाथ ने इस फिल्म में विशु कुली का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के फेलो पोर्टर है तो इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए हैं जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी कुछ ने ओवर एक्टिंग की हुई थी कहाँ पे कुछ जगह पे इनकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी कॉमेडी डिपार्टमेंट में ठीक ठाक काम नजर आएगा डायरेक्शन इस फिल्म का एवरेज नजर आएगा इस फिल्म को जिस तरह से इंडनाइज़ किया हुआ है मॉडर्नाइज वर्जन डाला हुआ है वो उतना बढ़िया तरीके से इम्पेक्टफुली हमारे सामने पेश नहीं हो पाता है कई सारे कई चीज़ों की कमी नज़र आती है कुछ जगह पे वीएफिक्स भी काफ़ी डल नज़र आता है बहुत कम वीएफ़ेक्स का यूज़ है नहीं लेकिन जितना भी यूज है वो काफ़ी फेक नज़र आता है इसके अलावा परफॉर्मेंसेस इस में भी कुछ जगह पे ओवर एक्टिंग नज़र आती है कहीं पे कुछ जगह पे ठीक ठाक कॉमेडी देखने को मिल जाती है फराज श्याम जी के काफ़ी सारे डायलॉग क्रिंज क्रिंजवलती नज़र आते हैं फ़राज श्याम जी को डायलॉग्स में काफ़ी क्रिंजीनेस नज़र आती है उनके डायलॉग्स बेटर हो सकते थे स्क्रीन प्ले भी काफ़ी वीक नज़र आता है इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने काफ़ी बढ़िया पैसा लगाया हुआ था इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है फिल्म के लोकेशन काफ़ी लेविस नज़र आ रहे थे उसके साथ में उस लोकेशन के अलावा जिस तरह से इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के ऊपर काम किया हुआ है वो ठीक ठाक था उसको बेटर किया जा सकता था सिनेमाटोग्राफर ने लोकेशन का बढ़िया यूज किया हुआ है इस फिल्म के एक्टर्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से किया हुआ है सॉन्ग्स की कोरियोग्राफी अच्छी है फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी बढ़िया काम है रीमेक और ओरिजिनल दोनों सॉन्ग्स काफी बढ़िया तरीके से कंपोज किए हुए हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं इसके अलावा इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर ने जिस तरह से सॉन्ग्स के अलावा जो एक्शन सिक्वन है जो कॉमेडी सीस है उसको जिस तरह से कैप्चर किया हुआ है वो बढ़िया है इस फिल्म में कुछ जगह कॉमेडी टाइमिंग अच्छी थी वही पे कुछ जगह पे ठीक ठाक थी फिल्म को करीबन एक सौ पैंतीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जिसको आ, एडिट किया हुआ है रितेश सोनी ने एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी एक सौ पैंतीस मिनट यानी कि फिल्म दो घंटे पंद्रह मिनट की देखने को मिलती है करीबन दो घंटे के आसपास की फिल्म रहती तो और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा इस फिल्म के कलर टोन कलर रेडिंग बढ़िया थी एडिटिंग ठीक ठाक थी और परफॉर्मेंस भी एवरेज थी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम देखने को मिलता है तो इस तरह से इस फिल्म के साथ टेक्निकल टीम और परफॉर्मेंस ने काम किया हुआ था अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज़ किया गया था 25 दिसंबर 2020 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को राइट्स बेचे हुए थे तो अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने इस फिल्म के राइट्स लिए हुए जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म के राइट्स काफ़ी बड़ी रकम दे खरीदे हुए थे तो ये फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर वि इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी कुली नंबर वन नाम के साथ हिंदी वर्जन में तो वहाँ पे इन्जॉय कर सकते हो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा जी के चैनल के ऊपर जी सिनेमा जी सिनेमा एच के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पे भी इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ वीडियो के पास है तो कुल नंबर वन फिल्म आपको वहां पे हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन वहीं पे इस फिल्म के सैटेलाइट राइट है वो जी सिनेमा के पास है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से कूली नंबर वन फिल्म आप इन्जॉय कर पाओगे कूली नंबर वन ये एक 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी मसाला फिल्म है फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है डेविड धवन ने स्क्रीन प्ले वो रूमी जाफरी ने लिखा हुआ है जो डायलॉग्स से वो फराज शाम ने लिखे हुए हैं ये रिक्रिएशन वर्जन है नाइनटीन का जो कुल नंबर वन है उसका अब नाइनटीन वाले कुली नंबर वन के बारे में बातचीत करें तो वो भी एक कॉमेडी मसाला फिल्म थी उसको भी डेविड धवन ने डरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे रोमी जाफरी ने उसको लिखा हुआ था कादर खान ने मिलकर लिखा हुआ था स्टोरी थी वो रीमेक थी यानी कि वो फिल्म रीमेक थी ओरिजिनल वर्जन है जो 1995 वाला वो भी एक रीमेक ही फिल्म थी जहाँ पे उस फिल्म के लीड रोल में गोविंदा करिश्मा कपूर देखने को मिले थे उनके अलावा हरीश कुमार कंचन कादर खान महेश आनंद जैसे एक्ट्रेस एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुली नंबर वन जो 1995 वाली गोविंदा की थी वो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल फिल्म की रीमेक थी जहाँ पे उस फिल्म को तमिल वर्जन की एक चिन्ना मपीलाई करके फिल्म आई हुई थी उससे रीमेक किया गया था 1993 में वो फिल्म आई हुई थी वो एक कॉमेडी फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था सांतना भारती ने लिखा हुआ था क्रेजी मोहन ने स्क्रीन प्ले सांतना भारती का ही था वहीं पे स्टोरी आइडिया था वो पी काले मनी का था जिसको प्रोड्यूस टी सिवा ने किया हुआ था लीड रोल में प्रभु और सुकन्या थे सिनेमाटोग्राफी रविशंकर ने की हुई थी एडिटिंग जय जी जया चंद्रन ने की हुई थी म्यूजिक इलैया राजा ने दिया हुआ था और अम्मा क्रिएशंस के नीचे चौदह जनवरी उन्नीस में इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में रिलीज किया गया था जिसको काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्स मिला उसके बाद फिल्म को तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी जैसी कई अलग अलग लैंग्वेज में डब करके सॉरी रिमेक किया हुआ था जहाँ पे वन ऑफ द रिमेक कोली नंबर वन नाइनटीन नाइनटी फाइव वाली फिल्म है वो भी है जिसमें गोविंदा ने काफी दमदार काम किया था जिसके बदौलत वो फिल्म करीबन तीन करोड़ के बजट के साथ बनी हुई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पे 20 से 25 करोड़ तक का तब ग्रोस कलेक्शन किया था इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डेविड धवन और गोविंदा ने मिलकर कितनी बड़ी एक हिट फिल्म बनाई हुई थी उसके करीबन काफी समय के बाद यानी कि दो और उन्नीस के बीच में करीबन पच्चीस सालों के बाद फिल्म का एक और रिक्रिएशन वर्जन आया क्योंकि 2020 और उन्नीस सौ बीच में जो समय था उसके बीच में उस कहानी के लेकर थोड़े चेंजेस किए हुए जो मॉडर्नाइज वर्जन है उसको क्रिएट करके इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है जहाँ पे स्क्रीन प्लेयर उमी जाफरी ने ही क्रिएट किया हुआ है एक तरह से कह सकते हैं कि जो 2020 वाली फिल्म है वो भी चिन्ना मपीलाई का ही रीमेक है जहाँ पे उस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है यानी कि कुली नंबर वन जो 2020 वाली है उसको प्रोड्यूस किया हुआ है वासु भगनानी जेकी भगनानी और दीप शिखा देशमुख ने जिन्होंने इस फिल्म को पूजा एंटरटेनमेंट तहत के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है जिसको डिस्ट्रीब्यूट अमेजन प्राइम वीडियो और टिप्स इंडस्ट्री ने मिलकर किया हुआ था इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज़ करवाया हुआ था थिएटर रिलीज अवॉइड किए गए थी क्योंकि 2020 में ये फिल्म आई हुई थी तब तो कोविड 19 काफ़ी पीक पे था काफ़ी अलग अलग वेव्स आ रही थी सेकंड वेव फर्स्ट वेव थर्ड वेव का जिसकी वजह से थिएटर को ओपन प्रॉपर नहीं हो पा रहे थे कुछ जगह पे ओपन थे वहाँ पे 50 परसेंट ऑक्यूपेंसी थी लेकिन उसके बावजूद ऑडियंस थिएटर में आने के लिए डर रही थी कोविड की वजह से तो इन सभी चीज़ों के बीच में फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी के लिए भेज दिया गया था और ये एक राइट डिसीजन था अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो वरुण धवन लीड रोल में देखने को मिलेंगे सारा अली खान उनके अपोजिट कास्ट की गई है परेश रावल जावेद जाफरी राजपाल यादव जोनी लिवर साहिल वेद्य शिखा तलसानिया विकास वर्मा मनोज जोशी अनिल धवन भारतीय आचरकर रजत रवाइल राकेश बेदी शशि किरण हेमंत पांडे फराज सामजी और शिवेश देवनाथ ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार प्ले किए हुए

टिप्स के ही पास है यहाँ पे टोटल छः गाने और ये सभी गाने यूट्यूब पे आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते वरुण धवन ने एक छोटे से इंटरव्यू में इंडो एशियन न्यूज सर्विस है उनके इंटरव्यू में कहा था कि ये फिल्म यानि कि कुली नंबर वन के ऊपर एक बार फिर से काम किया जाएगा जहाँ पे उसको प्रोड्यूस करेंगे वासु भगनानी पूजा एंटरटेनमेंट के तहत और उनके फादर डेविड धोनी उस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले जहाँ पे अदर सोर्सेस से पता चला था कि इस फिल्म का जो ओरिजिनल स्टोरी है जो कूली नंबर वन आई हुई थी उससे ही इंस्पायर होके फिर से बनाया जाएगा जहाँ पे कुछ स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए जाएंगे लेकिन उसमें दो चेंजेस देखने को मिले थे इसमें एक तो कुली नंबर वन नाइनटीन की जो ओरिजिनल थी तेलुगु वाली वहाँ से कुछ सोर्सेज से पता चला था कुछ पॉइंट वहाँ से लिए हुए वहीं पर चिन्ना मपिल है जिसका रिमेक है ये वहाँ से भी कुछ पॉइंट को लिया हुआ था तो उसके बाद एक नया स्क्रीन पर लिखा हुआ था मॉडर्नाइज वर्जन वाला शूटिंग के बारे में बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बैंकॉक को स्टार्ट की गई थी बैंकॉक से स्टार्ट की गई थी अगस्त दो को जहाँ पे गोवा में इस फिल्म की शूटिंग को बाद में फिर से ले आया गया था बैंकॉक की शूटिंग के बाद गोवा में शूट किया हुआ था फिल्म को उसके बाद फरवरी 2020 तक पूरी तरह से इस फिल्म को मुंबई में पेचवर्क के साथ शूटिंग करके कंप्लीट करवाया हुआ था जिसको 1 मई 2020 को रिलीज के लिए फिक्स किया गया था लेकिन कोविड नाइन्टीन की वजह से थिएट्रिकल रिलीज नहीं हो पाई फिल्म की और फिल्म को पोस्टपोन कर दिया और उसके बाद में फिल्म को ध्यान में रखते हुए जो और तो थिएटर का बिजनेस है थिएटर का जो जिस तरह का हाल था उसको ध्यान में रखते हुए ओटीटी में फिल्म को बेच दिया था म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर वो सलीम सुलेमान ने कंपोज किया हुआ है सॉन्ग है वो टोटल छः सुनने को मिलेंगे कुछ सॉन्ग रिक्रिएटेड है वहीं पे कुछ सॉन्ग को कंपोज किया हुआ है और ये सभी वर्जन से वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू कंपोज करवाए गए जहाँ पे दो लेबल है इस फिल्म के म्यूजिक के लिए जीक म्यूजिक कंपनी सभी सॉन्ग्स के लिए वहीं पर टिप्स म्यूजिक के पास उसने सुहाना और मिर्च लगी तो दो गाना के राइट्स से तो ट्रैक लिस्टिंग करते पहला गाना तेरी भाभी जिसके लिरिक्स लिखे हुए तनिष साबरी ने म्यूजिक दिया हुआ जावेद मोहसिन ने सिंगर थे देव नेगी नेहा कक्कर और जावेद मोहसिन दूसरा गाना हुस्न है सुहाना जिसका नया वर्जन है उसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने म्यूजिक दिया था तनिष पाक्षी ने सिंगर तिचंदना दीक्षित अभिजीत भट्टाचार्य मम्मी कसम वाला जो गाना है उसके लिरिक्स लिखे हुए सबीर अहमद ने और इक्का ने मिलकर म्यूजिक दिया हुआ है तनिष पाक्षी ने गाया हुआ है इक्का उदित नारायण और मोनाली ठाकुर ने चौथा गाना मिर्ची लगी तो एक रिमेक गाना है जिसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अंजान ने वहीं पे उसके म्यूजिक के ऊपर काम किया जो जो चेतास ने सिंगर थे कुमार सानु और अलका याग्निक पांचवा गाना है तेरे शिवा जिसके लिरिक्स लिखे हुए रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बाकी ने सिंगर थे रेनेसा दास और एस किंग इसके अलावा छठा गाना कुली नंबर टाइटल ट्रिक उसके लिरिक्स फराज शाम जी ने लिखे हुए म्यूज़िक दिया हुआ सलीम सुलेमान ने और सिंगर थे राज पंडित तो इस तरह से टोटल छः गाने थे जिसकी लेंथ थी इक्कीस मिनट सत्तावन सेकंड जिसके राइट्स थे जी म्यूजिक कंपनी और टीप्स म्यूजिक के पास और ये सभी गाने 22 दिसंबर 2020 से उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर और ऑफिशियल म्यूजिक प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल तो कर दिए गए थे तो आपको ये सभी गाने यूट्यूब पर भी आपको जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे इसमें से कई गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे काफ़ी बढ़िया तरीके से कर गए थे अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो फिल्म में वरुण धवन ने राजू कोली का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुंवर राजप्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा का हस्बैंड है वहीं पे सारा अली खान ने सारा प्रताप सिंह यानी कि नी जो रोजारी उनके जो रेफरी जेफरी की डोटल डोटर है वहीं जाफरी की डोटर है वहीं पे अंजू की बहन है और राजू की वाइफ है परेश रावल ने जाफरी रोजारू का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा और अंजू के फादर है जावेद जाफरी ने इस फिल्म में पंडित जय किशन का रोल प्ले किया हुआ है उसके अलावा उन्होंने सेक्रेटरी का रोल भी प्ले किया हुआ है राजपाल यादव को पिंटो मामा का रोल दिया गया था जो सारा और अंजू के अंकल है और जाफरी के ब्रदर इन लो है वहीं पे जोनी लिवर फिल्म में इंस्पेक्टर जगजीत गौड बोले का रोल प्ले किया हुआ है साहिल वेद्य को दीपक का। मैकेनिक का रोल दिया हुआ है जो राजू का बेस्ट फ्रेंड है और अंजू का है शिखा तलसान्या ने अंजलि यानी कि अंजू रोजारे का रोल प्ले किया हुआ है जो जाफरी की बहन है वहीं पे सारा की बेटी है वहीं पे दीपक की है इसके अलावा विकास वर्मा भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेश आनंद का रोल प्ले किया हुआ है जो महेंद्र के बेटे मनोज जोशी को महेंद्र के मैनेजर का रोल दिया गया था अनिल धवन भी फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेंद्र प्रताप सिंह का रोल प्ले, प्ले किया हुआ है जो महेंद्र प्रताप सिंह वाला रोल है वो महेश के फादर का किरदार है वहीं पे भारती अचरेंकर ने इस फिल्म में मिस रोजारे का रोल प्ले किया हुआ जो जाफरी की माँ है सारा और अंजू की ग्रांड मदर है रजत रावले ने इस फिल्म में मेक का रोल प्ले किया हुआ जो बेल बॉय है राजू और राजा का वहीं पे अंजू और सारा का हनीमून होटलर है वहीं पे इस फिल्म में राकेश बेदी भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने ड्राइवर का रोल प्ले किया हुआ है जो सालिनी के फादर है शशि किरण ने कुली चाचा का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के अंकल है हेमंत पांडे ने इस फिल्म में तांबे का रोल प्ले किया हुआ है जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट का ओनर है फराज शाम जी प्लम्बर के रोल में दिखाई देंगे रोजर जो होटल है वहाँ पे इसके अलावा सी देवनाथ ने इस फिल्म में विशु कोली का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के फेलो पोर्टर है तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए हैं जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंसेज डिसेंट थी कुछ ने ओवर एक्टिंग की हुई थी कहाँ पे कुछ जगह पे इनकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी कॉमेडी डिपार्टमेंट में ठीक ठाक काम नजर आएगा डायरेक्शन इस फिल्म का एवरेज नजर आएगा इस फिल्म को जिस तरह से इंडियानाइज किया हुआ है मॉडर्नाइज वर्जन डाला हुआ है वो उतना बढ़िया तरीके से इम्पेक्टफुली हमारे सामने पेश नहीं हो पाता है कई सारे कई चीज़ों की कमी नज़र आती है कुछ जगह पे वे भी, भी काफ़ी डल नज़र आता है बहुत कम वेफ का यूज़ है लेकिन जितना भी यूज है वो काफ़ी फेक नज़र आता है इसके अलावा परफॉर्मेंसेज इस में भी कुछ जगह पे ओवर एक्टिंग नज़र आती है वहीं पे कुछ जगह पे ठीक ठाक कॉमेडी देखने को मिल जाती है फराज शाम जी के काफ़ी सारे डायलॉग क्रिंजवलती नज़र आते हैं फराज श्याम जी को डायलॉग्स में काफ़ी क्रिंजीनेस नज़र आती है उनके डायलॉग्स बेटर हो सकते थे स्क्रीन प्ले भी काफ़ी वीक नज़र आता है इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने काफ़ी बढ़िया पैसा लगाया हुआ था इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है फिल्म के लोकेशन काफ़ी लेवीज नज़र आ रहे थे उसके साथ में उस लोकेशन के अलावा जिस तरह से इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के ऊपर काम किया हुआ है वो ठीक ठाक था उसको बेटर किया जा सकता था ने का बढ़िया यूज किया हुआ है सॉन्ग्स को की कोरियोग्राफी अच्छी है रीमेक और, और कंपोज किए हुए जो सुनने में अच्छे लगते हैं इसके अलावा इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर ने जिस तरह से सॉन्ग्स के अलावा जो एक्शन कॉमेडी सीन्स है उसको जिस तरह से कैप्चर किया हुआ है वो बढ़िया है इस फिल्म में कुछ जगह कॉमेडी टाइमिंग अच्छी थी पे कुछ जगह पे ठीक ठाक थी फिल्म को करीबन एक सौ पैंतीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जिसको आ, एडिट किया हुआ है रितेश सोनी ने एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी एक सौ पैंतीस मिनट यानी कि फिल्म दो घंटे पंद्रह मिनट की देखने को मिलती है करीबन दो घंटे के आसपास की फिल्म रहती तो और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा इस फिल्म के कलर टोन कलर रेडिंग बढ़िया थी एडिटिंग ठीक ठाक थी और परफॉरमेंसेस भी एवरेज थी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम देखने को मिलता है तो इस तरह से इस फिल्म के साथ टेक्निकल टीम और परफॉर्मेंस ने काम किया हुआ था अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज़ किया गया था 25 दिसंबर 2020 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को राइट्स बेचे हुए थे तो अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने इस फिल्म के राइट्स लिए हुए जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म के राइट्स काफ़ी बड़ी रकम दे ख़रीदे हुए थे तो ये फिल्म आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर भी थी सब सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी कुली नंबर वन नाम के साथ हिंदी वर्जन में तो वहाँ पे इन्जॉय कर सकते हो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा जी के चैनल के ऊपर जी सिनेमा जी सिनेमा एच के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पे भी इन्जॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ वीडियो के पास है तो नंबर फिल्म आपको वहां पे हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी विध इंग्लिश सब टाइटल वहीं पे इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स वो जी सिनेमा के पास है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से कूली नंबर वन फिल्म आप इंजॉय कर पाओगे कूली नंबर वन ये दो हजार बीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी मसाला फिल्म है फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है डेविड धवन ने स्क्रीन प्ले वो रोमी जाफरी ने लिखा हुआ है जो डायलॉग्स है वो फराज शाम जी ने लिखे हुए ये रिक्रिएशन वर्जन है नाइनटीन नाइनटी फाइव का जो कुल नंबर वन है उसका अब नाइनटीन नाइनटी फाइव वाले कोली नंबर वन के बारे में बातचीत करे तो वो भी एक कॉमेडी मसाला फिल्म थी उसको भी डेविड धवन ने डिरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे रोमी जाफरी ने उसको लिखा हुआ था कादर खान ने मिलकर लिखा हुआ था स्टोरी थी वो रीमेक थी यानी कि वो फिल्म रीमेक थी ओरिजिनल वर्जन है जो 1995 वाला वो भी एक रीमेक ही फिल्म थी जहाँ पे उस फिल्म के लीड रोल में गोविंदा करिश्मा कपूर देखने को मिले थे उनके अलावा हरीश कुमार कंचन कादर खान महेश आनंद जैसे एक्ट्रेस एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुली नंबर वन जो 1995 वाली गोविंदा की थी वो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल फिल्म की रीमेक थी जहाँ पे उस फिल्म को तमिल वर्जन की एक चिन्ना मपिला करके फिल्म आई हुई थी उससे रिमेक किया गया था 1993 में वो फिल्म आई हुई थी वो एक कॉमेडी फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था शांतना भारती ने लिखा हुआ था क्रेजी मोहन ने स्क्रीन प्ले शांतना भारती का ही था वहीं पे स्टोरी आईडिया था वो पी कालेमी का था

जहां पे वन ऑफ द रिमेक कोली नंबर वन नाइनटीन फाइव वाली फिल्म है वो भी है जिसमें गोविंदा ने काफी दमदार काम किया था जिसके बदलत वो फिल्म करीबन तीन करोड़ के बजट के साथ गोविंदा ने मिलकर कितनी बड़ी एक हिट फिल्म बनाई हुई थी उसके करीबन काफी समय के बाद यानी कि दो और उन्नीस के बीच में करीबन पच्चीस सालों के बाद फिल्म का एक और रिक्रिएशन वर्जन आया क्योंकि 2020 और उन्नीस सौ बीच में जो समय था उसके बीच में उस कहानी के लेकर थोड़े चेंजेस किए हुए जो मॉडर्नाइज वर्जन है उसको क्रिएट करके इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है जहाँ पे स्क्रीन प्ले रोमी जाफरी ने ही क्रिएट किया हुआ है एक तरह से कह सकते हैं कि जो 2020 वाली फिल्म है वो भी चिन्ना मपीलाई का ही रीमेक है जहाँ पे उस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है यानी कि कुली नंबर वन जो 2020 वाली है उसको प्रोड्यूस किया हुआ है वासु भगनानी जेकी भगनानी और दीप शिखा देशमुख ने जिन्होंने इस फिल्म को, को डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज करवाया हुआ था थिएटर रिलीज अवॉइड की गई थी क्योंकि 2020 में ये फिल्म आई हुई थी तब तो कोविड नाइनटीन काफी पीक पे था काफी अलग अलग वेव आ रही थी सेकंड वेव फर्स्ट वेव थर्ड वेव जिसकी वजह से थिएटर के ओपन प्रॉपर नहीं हो पा रही थी कुछ जगह पे ओपन थे वहाँ पे फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी थी लेकिन उसके बावजूद ऑडियंस थिएटर में आने के लिए डर रही थी कोविड की वजह से तो इन सभी चीज़ों के बीच में फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी के लिए भेज दिया गया था और ये एक राइट डिसीजन था अब हम बात करें इस फिल्म की काश के ऊपर तो वरुण धवन लीड रोल में देखने को मिलेंगे सारा लिखान उनके अपोजिट कास्ट की गई है परेश रावल जावेद जाफरी राजपाल यादव जोनी लिवर साहिल वैद्या शिखा तलसानिया विकास वर्मा मनोज जोशी अनिल धवन भारती आचरकर रजत रवाइल राकेश बेदी शशि किरण हेमंत पांडे फराज सामजी और शिवेश देवनाथ ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार प्ले किए हुए

टिप्स के ही पास है जहाँ पे टोटल छः गाने और ये सभी गाने यूट्यूब पे आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते वरुण धवन ने एक छोटे से इंटरव्यू में इंडो न्यूज सर्विस है उनके इंटरव्यू में कहा था कि ये फिल्म यानी कि कुली नंबर वन के ऊपर एक बार फिर से काम किया जाएगा जहाँ पे उसको प्रोड्यूस करेंगे वासु भगनानी पूजा एंटरटेनमेंट के तहत और उनके फादर डेविड धोनी उस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले जहाँ पे अदर सोर्सेज से पता चला था कि इस फिल्म का जो ओरिजिनल स्टोरी है जो कुली नंबर वन आई हुई थी उससे ही इंस्पायर होके फिर से बनाया जाएगा जहाँ पे कुछ स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए जाएंगे लेकिन उसमें दो चेंजेस देखने को मिले थे इसमें एक तो कुली नंबर वन नाइनटीन की जो ओरिजिनल थी तेलुगु वाली वहाँ से कुछ सोर्सेज से पता चला था कुछ पॉइंट वहाँ से लिए हुए वहीं पे चिन्ना मपिल है जिसका रिमेक है ये वहां से भी कुछ पॉइंट को लिया हुआ था तो उसके बाद एक नया स्क्रीन पर लिखा हुआ था मॉडर्नाइज वर्जन वाला शूटिंग के बारे में बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बैंकॉक को स्टार्ट की गई थी बैंकॉक से स्टार्ट की गई थी अगस्त 2019 को जहां पे गोवा में इस फिल्म की शूटिंग को बाद में फिर से ले आया गया था बैंकॉक की शूटिंग के बाद गोवा में शूट किया हुआ था फिल्म को उसके बाद फरवरी 2020 तक पूरी तरह से इस फिल्म को मुंबई में पेज वर्क के साथ शूटिंग करके कंप्लीट करवाया हुआ था जिसको एक मई दो को रिलीज़ के लिए फिक्स किया गया था लेकिन कोविड नाइन्टीन की वजह से थिएट्रिकल रिलीज़ नहीं हो पाई फिल्म की और फिल्म को पोस्टपोन कर दिया और उसके बाद में फिल्म को ध्यान में रखते हुए जो तो थिएटर का बिजनेस है थिएटर का जो जिस तरह का हाल था उसको ध्यान में रखते हुए ओटीटी में फिल्म को बेच दिया था म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर वो सलीम सुलेमान ने कंपोज किया हुआ है सॉन्ग है वो टोटल छः सुनने को मिलेंगे कुछ सॉन्ग रिक्रिएटेड है वहीं पे कुछ सॉन्ग को कंपोज किया हुआ है और ये सभी वर्जन से वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू कंपोज करवाए गए जहाँ पे दो लेबल है इस फिल्म के म्यूजिक के लिए जीक म्यूजिक कंपनी सभी सॉन्ग्स के लिए वहीं पर टिप्स म्यूजिक के पास उसने सुहाना और मिर्च लगी तो दो गाना के राइट्स से तो ट्रैक लिस्टिंग करते पहला गाना तेरी भाभी जिसके लिरिक्स लिखे हुए तनिष साबरी ने म्यूजिक दिया हुआ जावेद मोहसिन ने सिंगर थे देव नेगी नेहा कक्कर और जावेद मोहसिन दूसरा गाना हुस्न है सुहाना जिसका नया वर्जन है उसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने म्यूजिक दिया था तनिष बागची ने सिंगत चंदना दीक्षित अभिजीत भट्टाचार्य मम्मी कसम वाला जो गाना है उसके लिरिक्स लिखे हुए सबीर अहमद ने और इक्का ने मिलकर म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बागची ने गाया हुआ इक्का उदित नारायण और मोनाली ठाकुर ने चौथा गाना मिर्ची लगी तो एक रिमेक गाना है जिसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अंजान ने वहीं पे उसके म्यूजिक के का ऊपर काम किया हुआ जो जो, जो डी जे 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 ने सिंगर थे कुमार और अलका याग्निक पांचवा गाना है तेरे शिवा जिसके लिरिक्स लिखे वीराग हुए रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया हुआ तनिष बाकी ने सिंगर थे रेनेसा दास और एस किंग इसके अलावा छठा गाना कोली नंबर टाइटल ट्रिक उसके लिरिक्स फराज शाम जी ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ सलीम सुलेमान ने और सिंगर थे राज पंडित तो इस तरह से टोटल छः गाने थे जिसकी लेंथ थी इक्कीस मिनट सत्तावन सेकंड जिसके राइट्स थे जी म्यूजिक कंपनी और टीप्स म्यूजिक के पास और ये सभी गाने 22 दिसंबर 2020 से उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर और ऑफिशियल म्यूजिक प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल कर दिए गए थे तो आपको ये सभी गाने यूट्यूब पर भी आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे इसमें से कई गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गए थे अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो फिल्म में वरुण धवन ने राजू कोली का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुंवर राजप्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा का हस्बैंड है वहीं पे सारा अली खान ने सारा प्रताप सिंह यानी कि नी जो रोजारी है उनके जो रेफरी जेफरी की डोटल डोटर है वहीं जाफरी की डोटर है वहीं पे अंजू की बहन है और राजू की वाइफ है परेश रावल ने जाफरी रोजारू का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा और अंजू के फादर है जावेद जाफरी ने इस फिल्म में पंडित जय किशन

वहीं पे सारा की बेटी है वहीं पे दीपक की फ्यों से है इसके अलावा विकास वर्मा भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेश आनंद का रोल प्ले, प्ले किया हुआ है जो महेंद्र के बेटे हैं मनोज जोशी को महेंद्र के मैनेजर का रोल दिया गया था अनिल धवन भी फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेंद्र प्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो महेंद्र प्रताप सिंह वाला रोल है वो महेश के फादर का किरदार है वहीं पे भारती अचरेंकर ने इस फिल्म में मिस रोजारे का रोल प्ले किया हुआ जो जाफरी की माँ है सारा और अंजू की ग्रांड मदर है रजत रावले ने इस फिल्म में मेक का रोल प्ले किया हुआ जो बेल बॉय है राजू और राजा का वहीं पे अंजू और सारा का हनीमून होटलर है वहीं पे इस फिल्म में राकेश बेदी भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने ड्राइवर का रोल प्ले किया हुआ है जो सालिनी के फादर है शशि किरण ने कुली चाचा का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के अंकल है हेमंत पांडे ने इस फिल्म में तांबे का रोल प्ले किया हुआ है जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट का ओनर है फराज शाम जी प्लम्बर के रोल में दिखाई देंगे रोजर ए जो होटल है वहाँ पे इसके अलावा सी बी देवनाथ ने इस फिल्म में विशु कोली का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के फेलो पोर्टर है तो इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए हैं जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंसेज डिसेंट थी कुछ ने ओवर एक्टिंग की हुई थी कहाँ पे कुछ जगह पे इनकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी कॉमेडी डिपार्टमेंट में ठीक ठाक काम नजर आएगा डायरेक्शन इस फिल्म का एवरेज नजर आएगा इस फिल्म को जिस तरह से इंडनाइज किया हुआ है मॉडर्नाइज वर्जन डाला हुआ है वो उतना बढ़िया तरीके से इम्पेक्टफुली हमारे सामने पेश नहीं हो पाता है कई सारे कई चीज़ों की कमी नज़र आती है कुछ जगह पर वीएफिक्स भी काफ़ी डल नज़र आता है बहुत कम वीएफिक्स का यूज़ है नहीं लेकिन जितना भी यूज़ है वो काफ़ी फेक नज़र आता है इसके अलावा परफॉर्मेंसेज़ इस में भी कुछ जगह पर ओवर एक्टिंग नज़र आती है वहीं पर कुछ जगह पर ठीक ठाक कॉमेडी देखने को मिल जाती है फ़राज शाम जी के काफ़ी सारे डायलॉग क्रिंज नज़र आते हैं फ़राह श्याम जी को डायलॉग्स में काफ़ी क्रिंजीनेस नज़र आते हैं के डायलॉग्स बेटर हो सकते थे स्क्रीन प्ले भी काफ़ी वीक नजर आता है इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने काफी बढ़िया पैसा लगाया हुआ था इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है फिल्म के लोकेशन काफी लेविज नज़र आ रहे थे उसके साथ में उस लोकेशन के अलावा जिस तरह से इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के ऊपर काम किया हुआ है वो ठीक ठाक था उसको बेटर किया जा सकता था सिनेमाटोग्राफर ने लोकेशन का बढ़िया यूज़ किया हुआ है इस फिल्म के एक्टर्स को काफी बढ़िया तरीके से स्टाइलाइज किया हुआ है सॉन्ग्स की कोरियोग्राफी अच्छी है फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी बढ़िया काम है रीमेक ओरिजिनल और और दोनों सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज किए हुए हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं इसके अलावा इस फिल्म के सीनेमाटोग्राफर ने जिस तरह से सॉन्ग्स के अलावा जो एक्शन सिकॉन्स है जो कॉमेडी सीन्स है उसको जिस तरह से कैप्चर किया हुआ है वो बढ़िया है इस फिल्म में कुछ जगह पर कॉमेडी टाइमिंग अच्छी थी वहीं पर कुछ जगह पर ठीक ठाक थी फिल्म को करीबन एक रन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जिसको एडिट किया हुआ है रितेश सोनी ने एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी 135 मिनट यानी कि फिल्म दो घंटे पंद्रह मिनट की देखने को मिलती है करीबन दो घंटे के आसपास की फिल्म रहती तो और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा इस फिल्म के कलर टोन कलर ग्रेडिंग बढ़िया थी एडिटिंग ठीक ठाक थी और परफॉर्मेंसेज भी एवरेज थी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम देखने को मिलता है तो इस तरह से इस फिल्म के साथ टेक्निकल टीम और परफॉर्मर्स ने काम किया हुआ था अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज़ किया गया था 25 दिसंबर 2020 को अमेज़न प्राइम वीडियो को राइट्स बेचे हुए थे तो अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने इस फिल्म के राइट्स लिए हुए जहां पे उन्होंने इस फिल्म के राइट्स काफ़ी बड़ी रकम दे ख़रीदे हुए थे तो ये फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर वी भी इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी कुली नंबर वन नाम के साथ हिंदी वर्जन में तो वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा जी के चैनल के ऊपर जी सिनेमा जी सिनेमा एच के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पे भी एंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि तो वहां पे हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी के पास है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से कूली नंबर वन फिल्म आप इन्जॉय कर पाओगे कूली नंबर वन ये एक 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी मसाला फिल्म है फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है डेविड धवन ने स्क्रीन प्ले वो रूमी जाफरी ने लिखा हुआ है जो डायलॉग्स है वो फराज शाम ने लिखे हुए हैं ये रिक्रिएशन वर्जन है नाइनटीन का जो कुल नंबर वन है उसका अब नाइनटीन नाइन्टी फाइव वाले कुल नंबर वन के बारे में बातचीत करें तो वो भी एक कॉमेडी मसाला फिल्म थी उसको भी डेविड धवन ने डायरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे रोमी जाफरी ने उसको लिखा हुआ था कादर खान ने मिलकर लिखा हुआ था स्टोरी थी वो रीमेक थी यानी कि वो फिल्म रीमेक थी ओरिजिनल वर्जन है जो 1995 वाला वो भी एक रीमेक ही फिल्म थी जहाँ पे उस फिल्म के लीड रोल में गोविंदा करिश्मा कपूर देखने को मिले थे उनके अलावा हरीश कुमार कंचन कादर खान महेश आनंद जैसे एक्ट्रेस एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुली नंबर वन जो 1995 वाली गोविंदा की थी वो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल फिल्म की रीमेक थी जहाँ पे उस फिल्म को तमिल वर्जन की एक चिन्ना मपीलाई करके फिल्म आई हुई थी उससे रीमेक किया गया था 1993 में वो फिल्म आई हुई थी वो एक कॉमेडी फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था सांतना भारती ने लिखा हुआ था क्रेजी मोहन ने स्क्रीन प्ले सांतना भारती का ही था वहीं पे स्टोरी आइडिया था वो पी काले मनी का था

जहाँ पे वन ऑफ द रिमेक कोली नंबर वन नाइन फाइव वाली फिल्म है वो भी है जिसमें गोविंदा ने काफी दमदार काम किया था जिसके बदौलत वो फिल्म करीबन तीन करोड़ के बजट के साथ बनी हुई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पे 20 से 25 करोड़ तक का तब कलेक्शन किया था इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डेविड धवन ने और गोविंदा ने मिलकर कितनी बड़ी एक हिट फिल्म बनाई हुई थी उसके करीबन काफी समय के बाद यानी कि दो और उन्नीस के बीच में करीबन पच्चीस सालों के बाद फिल्म का एक और रिक्रिएशन वर्जन आया क्योंकि 2020 और उन्नीस सौ बीच में जो समय था उसके बीच में उस कहानी के लेकर थोड़े चेंजेस किए हुए जो मॉडर्नाइज वर्जन है उसको क्रिएट करके इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है जहाँ पे स्क्रीन प्लेयर रोमी जाफरी ने ही क्रिएट किया हुआ है एक तरह से कह सकते हैं कि जो 2020 वाली फिल्म है वो भी चिन्ना मपीलाई का ही रीमेक है जहाँ पे उस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है यानी कि नंबर वन जो 2020 वाली है उसको भगनानी भगनानी ने। ने प्रोड्यूस किया, किया हुआ था इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज करवाया हुआ था थिएटर रिलीज अवॉइड की गई थी क्योंकि 2020 में ये फिल्म आई हुई थी तब तो कोविड नाइन्टीन काफी पीक पे था काफी अलग अलग वेव आ रही थी सेकंड वेव फर्स्ट वेव थर्ड वेव का जिसकी वजह से थिएटर के ओपन प्रॉपर नहीं हो पा रहे थे कुछ जगह पे ओपन थे वहाँ पे 50 परसेंट ऑक्यूपेंसी थी लेकिन उसके बावजूद ऑडियंस थिएटर में आने के लिए डर रही थी कोविड की वजह से तो इन सभी चीज़ों के बीच में फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी के लिए भेज दिया गया था और ये एक राइट डिसीजन था अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो वरुण धवन रोल में देखने को मिलेंगे सारा के की गई है परेश रावल जावेद जाफरी राजपाल यादव जोनी लिवर साहिल वेद्य शिखा तलसानिया विकास वर्मा मनोज जोशी अनिल धवन भारती आचरकर रजत रवाइल राकेश बेदी शशि किरण हेमंत पांडे फराज शाम और सिबेश देवनाथ ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार प्ले किए हुए हैं

के ही पास है। यहाँ पे टोटल गाने और ये सभी गाने पे आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते वरुण धवन ने एक छोटे से इंटरव्यू में इंडो न्यूज सर्विस से उनके इंटरव्यू में कहा था कि ये फिल्म यानि कि कुली नंबर वन के ऊपर एक बार फिर से काम किया जाएगा जहाँ पे उसको प्रोड्यूस करेंगे वासु भगना पूजा एंटरटेनमेंट के तहत और उनके फादर डेविड धोनी उस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले जहाँ पे अदर सोर्सेज से पता चला था कि इस फिल्म का जो ओरिजिनल स्टोरी है जो कूली नंबर वन आई हुई थी उससे इंस्पायर होके फिर से बनाया जाएगा जहां पे कुछ स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए जाएंगे लेकिन उसमें दो चेंजेस देखने को मिले थे इसमें एक तो कुली नंबर वन नाइनटीन की जो ओरिजिनल थी तेलुगु वाली वहां से कुछ सोर्सेज से पता चला था कुछ पॉइंट वहाँ से लिए हुए वहीं पे चिन्ना मपीलाई जिसका रीमेक है ये वहां से भी कुछ पॉइंट को लिया हुआ था तो उसके बाद एक नया स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था मॉडर्नाइज वर्जन वाला शूटिंग के बारे में बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बैंकॉक को स्टार्ट की गई थी बैंकॉक से स्टार्ट की गई थी अगस्त 2019 को जहां पे गोवा में इस फिल्म की शूटिंग को बाद में फिर से ले आया गया था बैंकॉक की शूटिंग के बाद गोवा में शूट किया हुआ था फिल्म को उसके बाद फरवरी 2020 तक पूरी तरह से इस फिल्म को मुंबई में पेजवर्क के साथ शूटिंग करके कंप्लीट करवाया हुआ था जिसको एक मई 2020 को रिलीज के लिए फिक्स किया गया था लेकिन कोविड नाइन्टीन की वजह से थिएट्रिकल रिलीज नहीं हो पाई फिल्म की और फिल्म को पोस्टपोन कर दिया और उसके बाद में फिल्म को ध्यान में रखते हुए जो तो थिएटर का बिजनेस है थिएटर का जो जिस तरह का हाल था उसको ध्यान में रखते हुए ओ में फिल्म को बेच दिया था म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर वो सलीम सुलेमान ने कंपोज किया हुआ है सॉन्ग है वो टोटल छः सुनने को मिलेंगे कुछ सॉन्ग रिक्रिएटेड है वहीं पे कुछ सॉन्ग को कंपोज किया हुआ है और ये सभी वर्जन से वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू कंपोज करवाए गए जहाँ पे दो लेबल है इस फिल्म के म्यूजिक के लिए जिक म्यूजिक कंपनी सभी सॉन्ग्स के लिए वहीं पे टिप्स म्यूजिक के पास उसने सुहाना और मिर्च लगी तो दो गाना के राइट से तो ट्रैक लिस्टिंग का थे पहला गाना तेरी भाभी जिसके लिरिक्स लिखे हुए तनिष साबरी ने म्यूजिक दिया हुआ जावेद मोहसिन ने सिंगर थे देव नेगी नेहा कक्कर और जावेद मोहसिन दूसरा गाना हुस्न सुहाना जिसका नया वर्जन है उसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने म्यूजिक दिया है तनिष पाक्ची ने सिंगर तिचंदना दीक्षित अभिजीत भट्टाचार्य मम्मी कसम वाला जो गाना है उसके लिरिक्स लिखे हुए सबीर अहमद ने और इक्का ने मिलकर म्यूजिक दिया है तनिष बाग्ची ने गाया हुआ इक्का उदित नारायण और मोनाली ठाकुर ने चौथा गाना मिर्ची लगी तो ये एक रीमेक वो गाना है जिसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अंजान ने वहीं पे उसके म्यूजिक के का ऊपर काम किया हुआ जो जो, जो डीजी चेतास ने सिंगर थे कुमार सानू और अलका याग्निक पांचवा गाना है तेरे सिवा जिसके लिरिक्स लिखे हुए रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बागची ने सिंगर थे रेनेसा दास और एस किंग इसके अलावा छठा गाना कुली नंबर टाइटल ट्रिक उसके लिरिक्स फराज शाम जी ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ सलीम सुलेमान ने और सिंगर थे राज पंडित तो इस तरह से टोटल छः गाने थे जिसकी लेंथ थी इक्कीस मिनट सत्तावन सेकंड जिसके राइट्स थे जी म्यूजिक कंपनी और टीप्स म्यूजिक के पास और ये सभी गाने 22 दिसंबर 2020 से उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर और ऑफिशियल म्यूजिक प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल तो कर दिए गए थे तो आपको ये सभी गाने यूट्यूब पर भी आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे इसमें से कहीं गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे काफ़ी बढ़िया तरीके से कर कर गए थे अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो फिल्म में वरुण धवन ने राजू कुल का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुंवर राजप्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा का हस्बैंड है वहीं पे सारा अली खान ने सारा प्रताप सिंह यानी कि नी रोजार्यू है उनके जो जेफरी की डोटर डोटर है वहीं जाफरी की डोटर है वहीं पे अंजू की बहन है और राजू की वाइफ है परेश रावल ने जाफरी रोजारू का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा और अंजू के फादर है जावेद जाफरी ने इस फिल्म में पंडित जय किशन

वहीं पे सारा की बेटी है वहीं पे दीपक की फ्यों से है इसके अलावा विकास वर्मा भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेश आनंद का रोल प्ले किया हुआ है जो महेंद्र के बेटे मनोज जोशी को महेंद्र के मैनेजर का रोल दिया गया था अनिल धवन भी फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेंद्र प्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो महेंद्र प्रताप सिंह वाला रोल है वो महेश के फादर का किरदार है वहीं पे भारती अचरेंकर ने इस फिल्म में मिस रोजारे का रोल प्ले किया हुआ जो जाफरी की माँ है सारा और अंजू की ग्रांड मदर है रजत रावले ने इस फिल्म में मेक का रोल प्ले किया हुआ जो बेल बॉय है राजू और राजा का वहीं पे अंजू और सारा का हनीमून होटलर है वहीं पे इस फिल्म में राकेश बेदी भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने ड्राइवर का रोल प्ले किया हुआ है जो सालिनी के फादर है शशि किरण ने कुली चाचा का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के अंकल है हेमंत पांडे ने इस फिल्म में तांबे का रोल प्ले किया हुआ है जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट का ओनर है फराज शाम जी प्लम्बर के रोल में दिखाई देंगे रोजर जो होटल है वहाँ पे इसके अलावा सी बी देवनाथ ने इस फिल्म में विशु कुली का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के फेलो पोर्टर है तो इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए हैं जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी कुछ ने ओवर एक्टिंग की हुई थी कहाँ पे कुछ जगह पे इनकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी कॉमेडी डिपार्टमेंट में ठीक ठाक काम नजर आएगा डायरेक्शन इस फिल्म का एवरेज नजर आएगा इस फिल्म को जिस तरह से इंडियानाइज़ किया हुआ है मॉडर्नाइज वर्जन डाला हुआ है वो उतना बढ़िया तरीके से इम्पेक्टुली हमारे सामने पेश नहीं हो पाता है कई सारे कई चीज़ों की कमी नज़र आती कुछ जगह पे वे एफक्स भी काफ़ी डल नज़र आता है बहुत कम वेफ एक्स का यूज़ है नहीं लेकिन जितना भी यूज़ है वो काफ़ी फेक नज़र आता है इसके अलावा परफॉर्मेंसेज इस में भी कुछ जगह पे ओवर एक्टिंग नज़र आती है वहीं पर कुछ जगह पे ठीक ठाक कॉमेडी देखने को मिल जाती है फरात शाम जी के काफ़ी सारे डायलॉग क्रिंज क्रिंजवलती नज़र आते हैं फराह शाम जी को डायलॉग्स में काफ़ी क्रिंजीनेस नज़र आती है उन के डायलॉग्स बेटर हो सकते थे स्क्रीन प्ले भी काफ़ी वीक नज़र आता है इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने काफ़ी बढ़िया पैसा लगाया हुआ था इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है फिल्म के लोकेशन काफ़ी लेविज नज़र आ रहे थे उसके साथ में उस लोकेशन के अलावा जिस तरह से इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के ऊपर काम किया हुआ है वो ठीक ठाक था उसको बेटर किया जा सकता था सिनेमाटोग्राफर ने लोकेशन का बढ़िया यूज़ किया हुआ है इस फिल्म के एक्टर्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टाइलाइज किया हुआ है सॉन्ग्स की कोरियोग्राफी अच्छी है फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी बढ़िया काम है रीमेक और ओरिजिनल दोनों सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज किए हुए हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं इसके अलावा इस फिल्म के सीनेमाटोग्राफर ने जिस तरह से सॉन्ग्स के अलावा जो एक्शन सिक्वॉन्स है जो कॉमेडी सीस है उसको जिस तरह से कैप्चर किया हुआ है वो बढ़िया है इस फिल्म में कुछ जगह पर कॉमेडी टाइमिंग अच्छी थी वहीं पर कुछ जगह पर ठीक ठाक थी फिल्म को करीबन एक रन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जिसको आ, एडिट किया हुआ है रितेश सोनी ने एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी 135 मिनट यानी कि फिल्म दो घंटे पंद्रह मिनट की देखने को मिलती है करीबन दो घंटे के आसपास की फिल्म रहती तो और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा इस फिल्म के कलर टोन कलर ग्रेडिंग बढ़िया थी एडिटिंग ठीक ठाक थी और परफॉर्मेंसेस भी एवरेज थी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम देखने को मिलता है तो इस तरह से इस फिल्म के साथ टेक्निकल टीम और परफॉर्मर ने काम किया हुआ था अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज़ किया गया था 25 दिसंबर 2020 को अमेज़न प्राइम वीडियो को राइट्स बेचे हुए थे तो अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने इस फिल्म के राइट्स लिए हुए जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म के राइट्स काफ़ी बड़ी रकम दे के ख़रीदे हुए थे तो ये फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर भी इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी कुली नंबर वन नाम के साथ हिंदी वर्जन में तो वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो सैटेलाइट वर्ज़न है वो आपको देखने को मिलेगा जी के चैनल के ऊपर जी सिनेमा जी सिनेमा एच के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पे भी एंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वो टी टी के पास है तो कुल नंबर वन फिल्म आपको वहाँ पे हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल वहीं पे इस फिल्म के सेटेलाइट राइड्स से है वो जी सिनेमा के पास है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से कूली नंबर वन फिल्म आप इन्जॉय कर पाओगे कूली नंबर वन ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी मसाला फिल्म है फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है डेविड धवन ने स्क्रीन प्ले रूमी जाफरी ने लिखा हुआ है जो डायलॉग्स है वो फराज डायलॉग ने लिखे हुए हैं ये रिक्रिएशन वर्जन है 1995 का जो कोली नंबर वन, वन के बारे में बातचीत करें तो वो भी एक कॉमेडी मसाला फिल्म थी उसको भी डेविड धवन ने डायरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे रोमी जाफरी ने उसको लिखा हुआ था कादर खान ने मिलकर लिखा हुआ था स्टोरी थी वो रीमेक थी यानी कि वो फिल्म रीमेक थी ओरिजिनल वर्जन है जो 1995 वाला वो भी एक रीमेक ही फिल्म थी जहाँ पे उस फिल्म के लीड रोल में गोविंदा करिश्मा कपूर देखने को मिले थे उनके अलावा हरीश कुमार कंचन कादर खान महेश आनंद जैसे एक्ट्रेस एक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुली नंबर वन जो 1995 वाली गोविंदा की थी वो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल फिल्म की रीमेक थी जहाँ पे उस फिल्म को तमिल वर्जन की एक चिन्ना मिलाई करके फिल्म आई हुई थी उससे रीमेक किया गया था 1993 में वो फिल्म आई हुई थी वो एक कॉमेडी फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था सांतना भारती ने लिखा हुआ था क्रेजी मोहन ने स्क्रीन प्ले सांतना भारती का ही था वहीं पे स्टोरी आइडिया था वो पी काले मनी का था जिसको ने किया हुआ था लीड रोल में प्रभु और सुकन्या थे रवि जनवरी उन्नीस सौ तिरानवे में इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में रिलीज किया गया था जिसको काफी बड़ा रिस्पॉन्स मिला उसके बाद फिल्म को तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी जैसी कई अलग अलग लैंग्वेज में किया हुआ था जहाँ पे वन ऑफ द रिमेक कोली नंबर वन नाइन फाइव वाली फिल्म है वो भी है जिसमें गोविंदा ने काफी दमदार काम किया था जिसके बदौलत के के है कि और गोविंदा ने मिलकर कितनी बड़ी एक हिट फिल्म बनाई हुई थी उसके करीबन काफी समय के बाद यानी कि दो और उन्नीस के बीच में करीबन पच्चीस सालों के बाद फिल्म का एक और रिक्रिएशन वर्जन आया क्योंकि 2020 और उन्नीस सौ बीच में जो समय था उसके बीच में उस कहानी के लेकर थोड़े चेंजेस किए हुए जो मॉडर्नाइज वर्जन है उसको क्रिएट करके इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है जहाँ पे स्क्रीन प्लेयर उमी जाफरी ने ही क्रिएट किया हुआ है एक तरह से कह सकते हैं कि जो 2020 वाली फिल्म है वो भी चिन्ना मपीलाई का ही रीमेक है जहाँ पे उस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है यानी कि कुली नंबर वन जो 2020 वाली है उसको प्रोड्यूस किया हुआ है वासु भगनानी जेकी भगनानी और दीप शिखा देशमुख ने जिन्होंने इस फिल्म को पूजा एंटरटेनमेंट तहत के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है जिसको डिस्ट्रीब्यूट अमेजन प्राइम वीडियो और टिप्स इंडस्ट्री ने मिलकर किया हुआ था इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज करवाया हुआ था थिएटर रिलीज अवॉइड किए गए थी क्योंकि 2020 में ये फिल्म आई हुई थी तब तो कोविड 19 काफ़ी पीक पे था काफ़ी अलग अलग वेव्स आ रही थी सेकंड वेव फर्स्ट वेव थर्ड वेव का जिसकी वजह से थिएटर के ओपन प्रॉपर नहीं हो पा रहे थे कुछ जगह पे ओपन थे वहाँ पे 50 परसेंट ऑक्यूपेंसी थी लेकिन उसके बावजूद ऑडियंस थिएटर में आने के लिए डर रही थी कोविड की वजह से तो इन सभी चीज़ों के बीच में फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी के लिए भेज दिया गया था और ये एक राइट डिसीजन था अब हम बात करें इस फिल्म की काश के ऊपर तो वरुण धवन लीड रोल में देखने को मिलेंगे सारा अली खान उनके अपोजिट कास्ट की गई है परेश रावल जावेद जाफरी राजपाल यादव जॉनी लिवर साहिल वेद्य शिखा तलसानिया विकास वर्मा मनोज जोशी अनिल धवन भारती आचरकर रजत रवाइल राकेश बेदी शशि किरण हेमंत पांडे फराज सामजी और शिवेश देवनाथ ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो सिनेमाटोग्राफी रवि के चंद्रन ने किए हुई है सलीम सुलेमान ने कंपोज किए हुए फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो जी म्यूजिक कंपनी के पास है वहीं पे जो रिक्रिएटर वाले वर्जन है जो राइट्स है वो टिप म्यूजिक के पास है उसने सुहाना मिर्ची लगी तो वो दो गानों के राइट्स टिप्स के ही पास है जहाँ पे टोटल छः गाने और ये सभी गाने यूट्यूब पे आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते वरुण धवन ने एक छोटे से इंटरव्यू में इंडोनेशियन न्यूज सर्विस है उनके इंटरव्यू में कहा था कि ये फिल्म यानि कि कुली नंबर वन के ऊपर एक बार फिर से काम किया जाएगा जहाँ पे उसको प्रोड्यूस करेंगे वासु भगना ने पूजा एंटरटेनमेंट के तहत और उनके फादर डेविड धोनी उस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले जहाँ पे अदर सोर्सेज से पता चला था कि इस फिल्म का जो ओरिजिनल स्टोरी है जो कूली नंबर वन आई हुई थी उससे इंस्पायर होके फिर से बनाया जाएगा जहां पे कुछ स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए जाएंगे लेकिन उसमें दो चेंजेस देखने को मिले थे इसमें एक तो नंबर की जो ओरिजिनल थी तेलुगु वाली वहां से कुछ सोर्स से पता चला था कुछ पॉइंट वहां से लिए हुए वहीं पे जिन्ना मपिल है जिसका रिमेक है ये वहां से भी कुछ पॉइंट को लिया हुआ था तो उसके बाद एक नया स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था मॉडर्नाइज वर्जन वाला शूटिंग के बारे में बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बैंकॉक को स्टार्ट की गई थी बैंकॉक से स्टार्ट की गई थी अगस्त 2019 को जहां पे गोवा में इस फिल्म की शूटिंग को बाद में फिर से ले आया गया था बैंकॉक की शूटिंग के बाद गोवा में शूट किया हुआ था फिल्म को उसके बाद फरवरी दो तक पूरी तरह से इस फिल्म को मुंबई में पेज वर्क के साथ शूटिंग करके कंप्लीट करवाया हुआ था जिसको एक मई दो को रिलीज के लिए फिक्स किया गया था लेकिन कोविड नाइन्टीन की वजह से थिएट्रिकल रिलीज नहीं हो पाई फिल्म की और फिल्म को पोस्टपोन कर दिया और उसके बाद में फिल्म को ध्यान में रखते हुए जो तो थिएटर का बिजनेस है थिएटर का जो जिस तरह का हाल था उसको ध्यान में रखते हुए ओटीटी में फिल्म को बेच दिया था म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर वो सुल सलीम सुलेमान ने कंपोज किया हुआ है सॉन्ग है वो टोटल छः सुनने को मिलेंगे कुछ सॉन्ग रिक्रिएटेड है वहीं पे कुछ सॉन्ग को कंपोज किया हुआ है और ये सभी वर्जन से वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू कंपोज करवाए गए जहाँ पे दो लेबल है इस फिल्म के म्यूजिक के लिए जीक म्यूजिक कंपनी सभी सॉन्ग्स के लिए वहीं पर टिप्स म्यूजिक के पास उसने सुहाना और मिर्च लगी तो दो गाना के राइट्स से तो ट्रैक लिस्टिंग का थे पहला गाना तेरी भाभी जिसके लिरिक्स लिखे हुए तनिष साबरी ने म्यूजिक दिया हुआ जावेद मोहसिन ने सिंगर थे देव नेगी नेहा कक्कर और जावेद मोहसिन दूसरा गाना हुसन सुहाना जिसका नया वर्जन है उसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने म्यूजिक दिया ने सिंगर चंदना दीक्षित अभिजीत भट्टाचार्य मम्मी कसम वाला जो गाना है उसके लिरिक्स लिखे हुए सबीर अहमद ने और इक्का ने मिलकर म्यूजिक है तनीस बागची ने गाया हुआ इक्का उदित नारायण और मोनाली ठाकुर ने चौथा गाना मिर्ची लगी तो ये एक रीमेक गाना है जिसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अंजान ने वहीं पे उसके म्यूजिक के ऊपर काम किया जो जो, जो चेतास ने सिंगर थे कुमार सानो और अलका याग्निक पांचवा गाना है तेरे सिवा जिसके लिरिक्स लिखे वीराग हुए रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया हुआ तनिष बाकी ने सिंगर थे रेनेसा दास और एस किंग इसके अलावा छठा गाना कुली नंबर टाइटल ट्रिक उसके लिरिक्स फराज शाम जी ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ सलीम सुलेमान ने और सिंगर थे राज पंडित तो इस तरह से टोटल छः गाने थे जिसकी लेंथ थी इक्कीस मिनट सत्तावन सेकंड जिसके राइट्स थे जी म्यूजिक कंपनी और टीप्स म्यूजिक के पास और ये सभी गाने 22 दिसंबर 2020 से उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर और ऑफिशियल म्यूजिक प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल कर दिए गए थे तो आपको ये सभी गाने यूट्यूब पे भी आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे इसमें से कहीं गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे काफ़ी बढ़िया तरीके से कर गए थे अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो फिल्म में वरुण धवन ने राजू कुल का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुंवर राजप्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा का हस्बैंड है वहीं पे सारा अली खान ने सारा प्रताप सिंह यानी कि नी रोजार्यू है उनके जो रेफ्रीज झेफरी की डोटल डोटर है वहीं जाफरी की डोटर है वहीं पे अंजू की बहन है और राजू की वाइफ परेश रावल ने जाफरी रोजारू का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा और अंजू के फादर है जावेद जाफरी ने इस फिल्म में पंडित जय किशन रोल प्ले किया हुआ है उसके अलावा उन्होंने जैक्सन का रोल भी प्ले किया हुआ है राजपाल यादव को पिंटो मामा का रोल दिया गया था जो सारा अंजू के अंकल है और जाफरी के ब्रदर इन लो है वहीं पे जोनी लिवर फिल्म में इंस्पेक्टर जगजीत गोड बोले का रोल प्ले किया हुआ है साहिल विद्या को दीपक का। मैकेनिक का रोल दिया हुआ है जो राजू का बेस्ट फ्रेंड है और अंजू का है शिखा तलसानिया ने अंजली यानी कि अंजू रोजारा का रोल प्ले किया हुआ है जो जाफरी की बहन है वहीं पे सारा की बेटी है वहीं पे दीपक की है इसके अलावा विकास वर्मा भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेश आनंद का रोल प्ले किया हुआ है जो महेंद्र के बेटे मनोज जोशी को महेंद्र के मैनेजर का रोल दिया गया था अनिल धवन भी फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेंद्र प्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो महेंद्र प्रताप सिंह वाला रोल है वो महेश के फादर का किरदार है वहीं पे भारती अचरेंकर ने इस फिल्म में मिस रोजारे का रोल प्ले किया हुआ है जो जाफरी की माँ है सारा और अंजू की ग्रांड मदर है रजत रावल्य ने इस फिल्म में मेक का रोल प्ले किया हुआ है जो बेल बॉय है राजू और राजा का वहीं पे अंजू और सारा का हनीमून होटलर है वहीं पे इस फिल्म में राकेश बेदी भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने ड्राइवर का रोल प्ले किया हुआ है जो सालिनी के फादर है शशि किरण ने कुली चाचा का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के अंकल है हेमंत पांडे ने इस फिल्म में तांबे का रोल प्ले किया हुआ है जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट का ओनर है फराज शाम जी प्लम्बर के रोल में दिखाई देंगे रोजरिया जो होटल है वहाँ पे इसके अलावा सी बी देवनाथ ने इस फिल्म में विशु कुली का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के फेलो पोर्टर है तो इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए हैं जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी कुछ ने ओवर एक्टिंग की हुई थी कहाँ पे कुछ जगह पे इनकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी कॉमेडी डिपार्टमेंट में ठीक ठाक काम नजर आएगा डायरेक्शन इस फिल्म का एवरेज नजर आएगा इस फिल्म को जिस तरह से इंडनाइज किया हुआ है मॉडर्नाइज वर्जन डाला हुआ है वो उतना बढ़िया तरीके से इम्पेक्टुली हमारे सामने पेश नहीं हो पाता है कई सारे कई चीज़ों की कमी नज़र आती है कुछ जगह पे वेफ भी काफ़ी डल नजर आता है बहुत कम वेफेक्स का यूज है नहीं। लेकिन जितना भी यूज है वो काफ़ी फेक नज़र आता है इसके अलावा परफॉर्मेंसेज में भी कुछ जगह पे ओवर एक्टिंग नज़र आती है कहीं पे कुछ जगह पे ठीक ठाक कॉमेडी देखने को मिल जाती है फराज शाम जी के काफ़ी सारे डायलॉग क्रिंजलती नज़र आते फ़राज शाम जी को डायलॉग्स में काफ़ी क्रिंजीनेस नज़र आती है उनके डायलॉग्स बेटर हो सकते थे स्क्रीन प्ले भी काफ़ी वीक नज़र आता है इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने काफ़ी बढ़िया पैसा लगाया हुआ था इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है फिल्म के लोकेशन काफ़ी लेविस नज़र आ रहे थे उसके साथ में उस लोकेशन के अलावा जिस तरह से इस फिल्म स्क्रीन प्ले के ऊपर काम किया हुआ है वो ठीक ठाक था उसको बेटर किया जा सकता था ने का बढ़िया यूज किया हुआ है। इस फिल्म के एक्टर्स को सॉन्ग्स की कोरियोग्राफी अच्छी है रीमेक और, और, और कंपोज किए हुए हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं इसके अलावा इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर ने जिस तरह से सॉन्ग्स के अलावा जो एक्शन उसको जिस तरह से कैप्चर किया हुआ है, वो बढ़िया है इस फिल्म में कुछ जगह कॉमेडी टाइमिंग अच्छी थी पे कुछ जगह पे ठीक ठाक थी फिल्म को करीबन एक सौ पैंतीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है जिसको आ, एडिट किया हुआ है रितेश सोनी ने एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी एक सौ पैंतीस मिनट यानी कि फिल्म घंटे पंद्रह मिनट की देखने को मिलती है करीबन दो घंटे के आसपास की फिल्म रहती तो और बेहतर हो सकती थी इसके अलावा इस फिल्म के कलर टोन कलर ग्रेडिंग बढ़िया थी एडिटिंग ठीक ठाक थी और परफॉर्मेंसेज भी एवरेज थी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम देखने को मिलता है तो इस तरह से इस फिल्म के साथ टेक्निकल टीम और परफॉर्मेंस ने काम किया हुआ था अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म को डायरेक्ट ओ टी पर रिलीज़ किया गया था 25 दिसंबर 2020 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को राइट्स बेचे हुए थे तो अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने इस फिल्म के राइट्स लिए हुए जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म के राइट्स काफ़ी बड़ी रकम दे के खरीदे हुए थे तो ये फिल्म आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर वि थी इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी कुली नंबर वन नाम के साथ हिंदी वर्जन में तो वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा जी के चैनल के ऊपर जी सिनेमा जी सिनेमा एच के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है वहाँ पे भी एंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वो टी टी राइट एमेज़ोन प्राइम वीडियो के पास है तो कुली नंबर वन फिल्म आपको वहाँ पर हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पे इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है वो जिससे सिनेमा के पास है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से कुली नंबर वन फिल्म आप इन्जॉय कर पाओगे तो बस गैज इस फिल्म के रिगार्डिंग इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है साथ ही फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत की हुई है उसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसके अलावा इस फिल्म के टिक टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी बातचीत हो चुकी है स्टार कास्ट के परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत की हुई है फिल्म का एक ओवरऑल रिव्यू किया हुआ है जहाँ पे ओरिजिनल और रीमेक के कॉन्सेप्ट के बीच में बातचीत की हुई है तो बस गए इस फिल्म के रिगार्डिंग इतनी ही अपडेट्स है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू